देखो रिकॉर्डिंग तो मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। अच्छा यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने AS15 स्टार्ट किया था, उसी को भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो AS15 था ऑल अबाउट इम्प्लॉय बेनिफिट, और ये लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग इसीलिए था क्योंकि हम लोग मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली कंपनी अपने इम्प्लॉय को जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो उसको उसका एस्टिमेट करना पड़ता है कि हमारे पास कितने तरीके के इम्प्लॉय है, लाइक फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल, कितने तरीके के इम्प्लॉय है, और उन्हें हमें कैश या काइंड में क्या बेनिफिट प्रोवाइड करना है, और वो हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हमारा क्या कॉस्ट एसोसिएट होता है। मैचिंग प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग हमारा मतलब कंपनी का बेयर किया गया कॉस्ट के साथ हम लोग जो है उनके लिए गए सर्विस को मैचअप करते हैं, और इम्प्लॉय को क्या करते हैं बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजंस बनाएंगे। ठीक है, ये देखो उसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, एस्टिमेट करके प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ता है। प्रोविजंस दो तरीके का हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म का मतलब ऐसे प्रोविजंस जो 12 मंथ्स के अंदर ही मतलब 12 मंथ्स तक के लिए जरूरी होता है, लॉन्ग टर्म यानी कि जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए होता है। अकाउंट्स में नॉर्मली शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है, तो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बेनिफिट का, हाँ और एक चीज था कि इम्प्लॉय का जो मेन जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में एस ने कुछ ज्यादा बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दो पॉइंट जो है वो बता रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होने से इम्प्लॉयज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होने से प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, तो इस पे तुम लोग का एक क्वेश्चन है, हम दिखा भी देते, इलास्ट्रेशन वन वो एक बार बता देते, साथ ही साथ तुम लोग का इलास्ट्रेशन वन भी हो जाएगा। व्हाट आर द काइंड ऑफ इम्प्लॉइज कवर्ड इन द रिवाइज्ड AS15 एंड वेदर ए फॉर्मल इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नेसेसरी और नॉट फॉर बेनिफिट टू बी कवर्ड अंडर द स्टैंडर्ड। बोल रहा है कि कितने तरीके के इम्प्लॉयज होते हैं जो कि AS15 के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, और क्या फॉर्मल इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है किसी इम्प्लॉय को मतलब बेनिफिट पाने के लिए, तो उसके बारे में देखो क्या बोला है। तो मैंने जो तो पॉइंट मेनली बोला है ना वो तो तुम लोग को एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और इसके अलावा मैंने बोला है ना किस तरीके का इम्प्लॉय होते, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल, और भी कुछ यहाँ पर बताया। तो तुम लोगों को ये पढ़ के थोड़ा अपनी कॉपी में खुद से नोट डाउन करके रखना है तो याद होगा। ये देखो द स्टैंडर्ड डज नॉट डिफाइन द टर्म इम्प्लॉय, ये बात मैंने बार बार बोला है कि ये स्टैंडर्ड जो है इम्प्लॉय कौन है इसको हमें डिफाइन नहीं किया है कि भाई ये एम्प्लॉई है। ठीक है, हमें खुद मतलब एज ए CA खुद समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में जाके कि कौन एम्प्लॉई है कौन एम्प्लॉई नहीं है। अब यहाँ बोला है पैराग्राफ 6 ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉई मे प्रोवाइड सर्विस टू एन एंटरप्राइज ऑन फुल टाइम, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉई अगर मतलब बोल रहा है पैरा 6 में एक चीज बताया गया है, इस स्टैंडर्ड के पैरा 6 में ये बताया गया है कि एम्प्लॉई वो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी एक एंटरप्राइज को फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम या फिर परमानेंट नेचर में या फिर कैजुअल या फिर टेम्पोररी बेसिस में, एंड द टर्म वुड आल्सो इंक्लूड द होल टाइम डायरेक्टर एंड अदर मैनेजमेंट पर्सोनल। ठीक है, ये बात मैंने नहीं लिखवा है, तो देखो सारा चीज मैंने यहाँ पर नहीं दिखा है क्योंकि मैंने छोटा छोटा नोट करके लिखवाया, लेकिन तुम लोग ये वाला पॉइंट जो है याद रख सकते हो, जिसमें देखो 3-4 पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल, परमानेंट, टेम्पोररी, और इसके अलावा होल टाइम डायरेक्टर, अदर मैनेजमेंट। तुम लोग एक काम कर सकते हो, अभी जैसे हम बता रहे हैं तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ जो अगर मेरे यहाँ से देख के कॉपी कर रखे हो जो कि हम बताते हैं कि कॉपी कर लो, तो वहां पर ही तुम लोग एड ऑन कर दो ना, और जो दो नाम दिखा बाकी तो सेंटेंस मेक करके लिख ही दोगे, क्योंकि देखो इसी तरीके से हमें स्मार्ट वर्क करना है, इतनी सारी चीजों को याद रखने का यही तरीका है। बाकी सेंटेंस वाइज लिख सकते हो कॉपी में बाद में, लेकिन अभी याद रखने के लिए यहाँ जो मैंने कैजुअल तक लिखा है इसमें तुम लोग बाकी 2-3 नाम भी ऐड कर दो, साथ ही साथ जब हम तुम लोग को पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है उसके बाद द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब कोई फॉर्मल रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, हर तरीके का इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए ये स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल है। यहाँ पूछा था ना क्या फॉर्मल रिलेशन होना जरूरी है, ये देखो बेनिफिट पाने के लिए।
तो बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए चलता है, जैसे कि पार्ट टाइम हुआ तो भी चलेगा, बेनिफिट मिलेगा, फुल टाइम हुआ तो भी बेनिफिट मिलेगा, ये चीज बोलना चाह रहे हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ए फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वही बोल रहा है कि फॉर्मल वाला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। सेवरल फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि जनरली आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे एक एग्जांपल अगर बोले कि जैसे देखो, मान लो कि हम लोगों ने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मान लो ये कंपनी जो है, कंपनी ए ने किसी क्लाइंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है। अब ये खुद वो चीज नहीं बनाती है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी बी को दे दी कि आप ये चीज मुझे बना के दे दीजिएगा, ठीक है, खुद नहीं बनाती, तो आउटसोर्सिंग कर देना कॉन्ट्रैक्ट का। तो बोल रहा है आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मतलब कंपनी ए का काम कंपनी बी में हो रहा है, लेकिन कंपनी बी के जो एम्प्लॉयज है वो कंपनी ए के एम्प्लॉयज नहीं होंगे, ये बोला जा रहा है। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्सिंग कर दे रहे, तो उस केस में जो लोग ये काम करके दे रहे हैं वो इस कंपनी के तो एम्प्लॉय नहीं होंगे, ठीक है, वो चीज बोल रहा है। तो ये चीज भी तुम लोग याद रख सकते हो पॉइंट में, कि आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट होने पे इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप मीट नहीं होता है। अच्छा, जो फैक्टर्स यहाँ बोला था ना कि बता देंगे, वही बता रहा है। हाउएवर सच कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी केयरफुली एग्जामिन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जो मैंने लिखवाया था इंपॉर्टेंट है। फिर भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक चीज फाइंड आउट करना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस था या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस था। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इंप्लाइज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज दैट इज प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सर्विस विच इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड डायरेक्शन एंड कंट्रोल, वेयर एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इंप्लाइज ए रिलेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एंड द पर्सन इज ऑब्लाइज टू ओबे ऑर्डर इन द वर्क टू बी परफॉर्म एंड एज टू इट्स मोड एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। हम बता देते हैं क्या है, लेकिन मैंने तुम लोग को जब ये दो पॉइंट लिखवाया था तो मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होने से प्रोफेशनल होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होने से इंप्लॉय होते हैं। अब उस चीज को यहाँ डिफाइन किया है, क्यों होता है, बोल रहे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ठीक है, मतलब ये वाला, ये क्या इंप्लाई करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें हमें सर्विस मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सर्विस ले रहे हैं हम लोग, विच इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जिसपे हमारा हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या फिर ज्यादा डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। वेयर एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अगर हम लोग करते हैं, इंप्लाइज ए रिलेशन ऑफ एन इंप्लॉयर इंप्लॉय, उसमें इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशन होता है, ठीक है, एंड द पर्सन इज ऑब्लाइज टू ओबे ऑर्डर्स, और जिसके जिसको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोलिंग रहता है। हम वो पर्सन जो है उनको हमारा ऑर्डर मानना पड़ेगा काम जब कर रहे हैं, ठीक है, जैसा काम करने बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, एंड एज टू इट्स मोड एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब वही जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा वो करके देंगे, मतलब इम्प्लॉई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो हमारा कंट्रोलिंग ज्यादा रहेगा, हमारे तरह हम लोग जो बोलेंगे हमारे बातों को मान के उस तरीके का जैसा काम चाहेंगे वैसा परफॉर्मेंस, उस मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में उन्हें काम करके देना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो होता है उसमें जो मतलब जो पर्सन्स आते हैं वो हो जाते हैं प्रोफेशनल या टेक्निकल, जिसपे हमारा उतना कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको हम लोग लिमिटेड डायरेक्शन दे सकते हैं और कंट्रोलिंग हमारा कम होगा, ठीक है। तो देखो मैंने मेन मेन पॉइंट तुम लोग को बताया था, अब ये चीज जो है थियोरिटिकल, अब ये पूरा चीज हम लिखवाएंगे तो इसमें तो कोई फायदा है नहीं, हमारा टाइम जाएगा, तो मैंने समझा दिया। अब तुम लोग का ड्यूटी है इसको शॉर्टकट में, फिलहाल यहाँ पर क्लास होने के बाद या क्लास के साथ साथ अगर कोई लिख पा रहे हो तो एड ऑन कर लो यहाँ पर पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, और उसके बाद इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है, तभी याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पर, मैंने यहाँ एक बार रिपीट कर दिया, इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशन, बेनिफिट्स, कैश, काइंड, हाँ, और बेनिफिट्स जो है फैमिली मेंबर्स को भी मिलेगा, ये बात भी मैंने बोला था, यहाँ पर ऐड कर सकते हो जो मैंने बोला, मैचिंग कंसेप्ट बोला, इंप्लॉय में दो तरीके का होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये भी बता दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बेनिफिट्स जो है वो हमें कितने तरीके का मिल सकता था, शॉर्ट टर्म,
जो है पोस्ट इम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म और टर्मिनेशन बेनिफिट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब जो हमें लेस देन 12 मंथ्स के लिए जो बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि सैलरी, वेजेस, ये सब, और जो पास्ट इम्प्लॉयमेंट, सॉरी पोस्ट इम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह, लॉन्ग टर्म में मैंने बोला था एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर किसी का डिसेबिलिटी है, यानी कि स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनको लाइफ टाइम अगर कंपनी कुछ प्रोवाइड करती है तो वो हो जाता है। टर्मिनेशन मतलब अगर कोई खुद ही छोड़ के चला जा रहा है रिटायरमेंट के पहले, या कंपनी उसे डिस्कट कर रही है या फिर उसे टर्मिनेट कर रही है, तो VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने क्या देखा था, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस में एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग, मतलब ऐसा लीव यानी कि छुट्टी जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फ्यूचर पीरियड में, जैसे मुझे किसी एक पीरियड में, मान लो तो जैसे पूरे एक साल में 15 छुट्टी मिला, ठीक है। अब 15 छुट्टी में से अगर मैंने 10 छुट्टी अवेल किया, 5 नहीं किया, तो वो नेक्स्ट टर्म में जाके, मतलब नेक्स्ट ईयर में जाके वो नेक्स्ट ईयर की छुट्टी के साथ एड ऑन हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो एक्यूमुलेटिंग, अगर नहीं होता है तो नॉन एक्यूमुलेटिंग, जैसे कि मैटरनिटी लीव, ठीक है। जब मिला तभी लेना है, नहीं लोगे तो उसका कोई एक्यूमुलेशन का चांसेस नहीं है। अब ये वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग जो है ना, वो इसी का पार्ट है। देखो ये लास्ट क्लास में हम लिखवाते वक्त यहाँ पर बोला नहीं मैंने, ये देखो ये वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग ना यहाँ पर लिख लो तब याद रहेगा, इसी का ही दो पार्ट है, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग, ठीक है। और उधर तो लिखा हुआ है ही डेफिनेशन, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग का मतलब है कि अगर ऐसा लीव है जिसपे अगर हम लोग चले जाते हैं काम करने पे तो हमें पेमेंट मिलेगा, और जो नॉन वेस्टिंग है वो ऐसा लीव है जिसपे अगर हम लोग नॉन वेस्टिंग का मतलब देखो ऐसा लीव है जिसपे अगर हम लोग काम करने चले भी जाए, हमारा मर्जी है, लेकिन कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ता है कि उसको कितना प्रोविजंस, क्योंकि फ्यूचर में ये सारे बेनिफिट्स उसे पे करने पड़ सकते हैं अपने इम्प्लॉय को, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोविजंस। और प्रोविजंस कंपनी कितने तरीके की बना सकती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बना सकता है और जो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बना सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट, इसमें मैंने बोला था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है। तो दोनों बात देखो बिल्कुल एक है, सिवाय ये कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर ये बेनिफिट के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, देखो जैसे ये एग्जाम्पल जो है ये PF यानी प्रोविडेंट फंड के ऊपर सूटेबल होगा। जैसे प्रोविडेंट फंड जब बनता है तो उसमें इम्प्लॉई भी पैसा डालेगा, ठीक है, और इम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, तुम लोग टैक्स में देखे होगे, और दोनों इक्वल डालते हैं। मान लो इम्प्लॉय 100 डालेगा, इम्प्लॉयर भी 100 डालेगा, ठीक है, ऐसा होता है। और ये पैसे को ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ये पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इन्वेस्ट करने पर हमारा जो वैल्यू है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है ना। हम लोगों ने कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में मान लो इन्वेस्ट हो गया पैसा, अब वो मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा गेन या लॉस हो सकता है। तो ये जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है ना, उसमें क्या होता है, अगर ये इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट से किसी तरीके का लॉस हुआ तो वो लॉस कौन बियर करेगा, इंप्लॉई बियर करेगा, एक्चुरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन इंप्लॉई। लेकिन अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, जैसे कि इंप्लॉयर बोल दिया कि अगर आप 25 ईयर्स काम करोगे तो आपको हम 25 लाख रुपए रिटायरमेंट पे देंगे, ठीक है, तो उसमें भी कंपनी क्या करती है, उस पैसे को पहले डे वन से जमा करती है, फिर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में अगर किसी तरीके का लॉस हुआ तो वो बियर इंप्लॉयर ही करेगा, मतलब वो उसको 25 लाख देना ही है इंप्लॉय को कैसे भी करके। तो ये देखो एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन इम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे कि रिटायरमेंट में बोल दिया 25 लाख देंगे, तो एक्चुअल रिस्क का मतलब होता है एक्चुअली जो रिस्क होने वाला है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब वही मार्केट में हम लोग इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट कैसे मूव करेगा, मार्केट कैसे जो है मतलब क्या बोले, मार्केट कैसे अपना बिहेव करेगा, उसके ऊपर हमारा रिस्क डिपेंड करता है कि हमें गेन होने वाला है कि लॉस होने वाला है, ठीक है। और एक्चुअल रिस्क का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग कितना देंगे, सोचे थे कितना जमा करेंगे, ठीक है, उसमें अगर कुछ कम ज्यादा हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिस्क। तो यहाँ पर ये इतना एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क हमारे इस एस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पे ज्यादा डिटेल्स में जाए, लेकिन वही कि रिस्क तो रहेगा ही दोनों केस में, एक केस में इंप्लॉय बेयर करेगा, दूसरे केस में इंप्लॉयर बेयर करेगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स।
इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो हमें याद रखना है, जिससे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे. जैसे पहला हो गया प्लान एसेट, प्लान एसेट. अच्छा, ये क्या होता है प्लान एसेट का मतलब? प्लान एसेट का मतलब हो गया, जैसे कि मान सकते हो कि ये पीएफ के तरह बिहेव करेगा, मतलब प्रोविडेंट फंड जो है ना, उसी के कंसेप्ट में प्लान एसेट है. फिर भी हम एक बार बताते हैं, देखो प्लान एसेट का मतलब क्या है. मान लो कि कंपनी का ये कौन है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, और ये इम्प्लॉई है. अब ये दोनों मिलके यहां पर मान लो अमाउंट जो है वो डालेंगे, ठीक है. एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, इम्प्लॉय भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है. इनवर्ट, ये लैंग्वेज तुम लोग को याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना, अभी आज करेंगे तो वहां पर देखोगे ये लैंग्वेज आ रहा है, इनवर्ट कंट्रीब्यूशन. इनवर्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, ठीक है. ये जो मैंने बॉक्स जैसा बनाया है ना, इसके अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ट कंट्रीब्यूशन. अब यहाँ पर मान लो दोनों ने 100 100 रुपीज दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन गया, 200 रुपीज. इसको बोलेंगे इनवर्ट कंट्रीब्यूशन. अब ये पैसे को क्या करना है, कहीं इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है. अब इन्वेस्ट करने से देखो प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है. मान लेते है कि इन्वेस्ट करने से क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है. इंटरेस्ट आ गया, सपोज कि 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज. तो 10 रुपीज क्या हो जाएगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा, मतलब इस बॉक्स में जाके 10 रुपीज ऐड हो जाएगा. ये देखो इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देते, इस बॉक्स में जाके 10 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है. इसमें जाके ये इंटरेस्ट ऐड हो, तो हमारे बॉक्स में कितना पैसा आ गया, 210. अब ये बनाया गया है क्यों, ये कंपनी बनाती है, जैसे मैंने बोला पीएफ, तो इम्प्लॉयर इम्प्लॉय जब रिटायर वगैरह करेगा, या उसको जब पेमेंट देना पड़ेगा, उसको जब बेनिफिट पे करना पड़ेगा. अब मान लो इसमें से बेनिफिट पे करना है, बेनिफिट पे कर दिया हम लोगों ने किसको, मान लेते इसी इम्प्लॉय को पे कर दिया, ठीक है. कितना पे कर दिया, मान लो बेनिफिट पे कर दिया हम लोगों ने 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज पे कर दिया. तो अब इस प्लान एसेट, इसी को, ये जो डब्बा जैसा बना हुआ है ना, इसी को बोलते हैं प्लान एसेट, की प्लान करके हम लोगों ने ये एसेट बनाया, ठीक है, प्लान एसेट. तो इस प्लान एसेट का फेयर वैल्यू अब क्या होगा, फेयर वैल्यू हो जाएगा, मतलब अभी इसमें एक्चुअली कितना पैसा है बोलो, अगर 210 हुआ तो उसमें से हम लोगों ने 50 पे कर दिया, तो अब इस एसेट में, ये डब्बे में कितना पैसा पड़ा हुआ है बोलो, कितना पैसा पड़ा हुआ है? कोई नहीं मैम बोलो, 170. हाँ 170 माइनस करने से ही तो पता चलता, 117, 160, 160 मैम बोला है, ठीक. हाँ, तो ये हम लोगों का फेयर वैल्यू कहलाता है, ठीक है, आज के डेट पे, मतलब आफ्टर बेनिफिट पे फेयर वैल्यू हो गया हम लोग का ये. अब ये हमारे किस काम में आएगा, जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखना ये चीज, वैल्यू मतलब जो बचा हुआ वैल्यू, इनवर्ट कंट्रीब्यूशन मतलब जो इसमें हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, अपने प्लान एसेट में जो डाल रहे हैं, बेनिफिट पेड का मतलब जो इम्प्लॉय को दे रहे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड वन, एक्चुरियल गेन ऑन लॉस. गेन और लॉस, एक्चुरियल गेन ऑन लॉस क्या होता है, तो एक बार लिखवा देते हैं फिर समझाते हैं. डिफरेंस बिटवीन Difference between employer's actual pension payment relative to expected पेमेंट, ठीक है. तो
तो इसको पढ़ के ही बता देते। देखो क्या लिखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लॉयर्स एक्चुअल पेंशन पेमेंट रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड पेमेंट। ठीक है, मतलब इम्प्लॉयर ने सोचा था, मान लो इम्प्लॉयर ने सोचा था इस इम्प्लॉय को हम लोग क्या देंगे, इस इम्प्लॉय को मान लो हम लोग पेंशन देंगे, ऐसा सोच रखा था 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसको पेमेंट किया 8 लाख, या फिर हो सकता है सोचा था 10 लाख, करना पड़ा 12 लाख। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, कि क्या सोचा था और हम लोगों ने कितना देना पड़ा, डिफरेंस बिटवीन इंप्लॉयर्स एक्चुअल पेंशन पेमेंट रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड था कि 10 लाख देंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि 10 लाख देंगे, लेकिन दिया 12 लाख या फिर 8 लाख, मतलब एक्सपेक्टेड से कम या एक्सपेक्टेड से ज्यादा। ठीक है, तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड से कम दिया तो 2 लाख का गेन, ठीक है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा दिया तो 2 लाख का लॉस। ठीक है, हम लोग कंपनी के तरफ से सोचेंगे। तो अब हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, कंसेप्ट तो आई होप समझ में आया कि हम लोग का लॉस या गेन क्या हो रहा है, कितना सोचा था देंगे और कितना दे रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हमें सेम ईयर में इससे प्रॉफिट या लॉस, यानी गेन या लॉस जो भी जनरेट होगा, उसे हमें सेम ईयर में पीएल में रिकॉग्नाइज करना है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है कि रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल इन सेम ईयर। सेम ईयर उसी साल हमें पीएल में रिकॉग्नाइज कर देना है, चाहे गेन हो चाहे लॉस। और गेन या लॉस क्या होगा वो तो देखो एक्सपेक्टेड से डिपेंड कर रहा है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। यहां पर लिख सकते हो, अगर एक्चुअल ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड है तो हम लोग का क्या होगा, एक्चुअल ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, और एक्चुअल अगर लेस देन एक्सपेक्टेड है, तो देखो एक्चुअल अगर हमारा ज्यादा हुआ एक्सपेक्टेड से तो लॉस, ठीक है, और एक्चुअल अगर कम हो गया, एक्चुअल वैल्यू अगर कम हो गया एक्सपेक्टेड से तो गेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन में काम है, ऐसे भी समझ सकते हो ये बात। ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब नोट नंबर थ्री, मतलब टर्म नंबर थ्री। टर्म नंबर थ्री है पास्ट, ये पास्ट है, पोस्ट नहीं है। ठीक है, पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, पहले हम लिख देते फिर समझाते हैं। चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी चेंज। देखो इसका मतलब पहले बताते हैं, फिर इसका एग्जांपल से समझाते हैं। बोला है कि चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी चेंज, मतलब ये इसका मतलब पहले समझो। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू अगर चेंज हो जाता है किसी चेंज के वजह से, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अगर चेंज हो जाता है किसी चेंज के वजह से, लेकिन ये क्या है, कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि कंपनी मान के चल रही है कि हम लोग को अपने इंप्लॉय को बाद में ये अमाउंट पे करना है, ठीक है, कुछ एक सर्टेन अमाउंट पे करना है। कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि कंपनी ये मान के चल रही है कि कंपनी को अपने इंप्लॉय को आगे जाके ये अमाउंट पे करना है। अब उस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू में अगर किसी तरीके का चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर इस पे एग्जाम्पल बनाए, जैसे कि ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी को पता है कि कंपनी ये मान के चल रही है कि आफ्टर 25 इयर्स
ठीक है, कंपनी को अपने किसी इंप्लॉय को 30 लाख देना है। मान लो इस इंप्लॉय को देना है 30 लाख, आफ्टर 25 ईयर्स कंपनी को इनको 30 लाख देना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, इस प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये 30 लाख तो आफ्टर 25 ईयर देना है। ठीक है, तो उसका आज का वैल्यू कितना है? ठीक है, ये देखो, तुम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लोग पढ़ते हो या फिर कॉलेज में भी पढ़े होगे एफएम, जिसमें टॉपिक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, या फिर फाउंडेशन में देखे होगे या कभी मैथ्स किए हो तो भी देखे होगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि आज जो चीज, मान लो आज अगर किसी चीज का वैल्यू 10 रुपया है, मतलब एक पेन मान लो जो आज 10 रुपए में मिल रहा है, वो पेन मान लो कि 25 साल बाद मिलेगा, सपोज करो कि 25 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 25 रुपए का आज का वैल्यू कितना है? प्रेजेंट वैल्यू 10 रुपीज हो गया। अब ये कैसे होता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन वगैरह, काफी सारी चीजों पे, रिस्क फैक्टर, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यही हो गया। ठीक है, अब मान लो कि ये 30 लाख था। ठीक है, ये 30 लाख 25 ईयर्स बाद देना है। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मान लो कि था 10 लाख। ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू था 10 लाख, लेकिन इसके प्रेजेंट वैल्यू में आ गया है चेंज। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं चेंज होने का। अब चेंज कैसे हो सकता है? मान लो चेंज होके 12 लाख हो गया, या फिर चेंज होके 8 लाख हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो चेंज हो रहा है उस चीज को बोला जा रहा है यहाँ पर पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब यही हो गया चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। क्योंकि कंपनी मान के चल रही थी कि इस इंप्लॉय को 25 साल बाद 30 लाख रुपीज देना है, जिसका आज का प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन उसमें हमारा चेंजेस आ गया। ठीक है, अब चेंजेस इस तरीके से या इस तरीके से वो किसी फैक्टर की वजह से आ सकता है। ठीक है, तो ये टर्म हमें पता होना चाहिए कि पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या होता है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर टर्म देखो। फोर्थ नंबर टर्म में हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी। अच्छा, ये क्या होता है? देखो, ये पूरा टर्म हो गया, अमाउंट कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा एज डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी। ठीक है, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी लेस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट बैलेंस शीट डेट। एट बैलेंस शीट डेट लेस पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ब्रैकेट में लिख दो इफ एनी। समझाते हैं क्या? देखो, अभी हम लोगों ने ना थोड़ी देर पहले ये जो भी मैंने तीन डेटा लिखा है ना, ये टर्म अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमें अपना लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी जो है वो कितना रिकॉर्ड करना है, मतलब कंपनी को कितना अमाउंट को एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है। कौन सा लाइबिलिटी? डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी। अभी अभी मैंने बताया डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी का मतलब है कंपनी जो मान के चल रही है कि उसकी इंप्लॉय को देना है। ठीक है, तो हमें कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी। जैसे मान लो प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, अब फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट बैलेंस शीट डेट। अब हम लोगों ने इसके लिए कोई प्लान एसेट जरूर बनाया होगा कंपनी ने, कि हम लोग इसमें प्लान एसेट बना लेते हैं, वहां से पैसा देंगे। अब प्लान एसेट का जो फेयर वैल्यू है वो लेना पड़ेगा, मतलब प्लान एसेट में 210 रुपए था, वो लेके क्या होगा? अगर मैंने उससे बेनिफिट पे किया है 50 रुपीज, तो उसका फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब जो बचा हुआ वैल्यू है। मान लो मेरे प्लान एसेट का बचा हुआ वैल्यू है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा
लाइबिलिटी है 10 लाख, मेरे पास ऑलरेडी 3 लाख बचा हुआ है, मतलब मुझे 7 लाख का ही जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब 7 लाख का जुगाड़ करना पड़ेगा। और अगर मेरा फेयर वैल्यू में कोई चेंजेस आ गया है, पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये देखो, पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब होता है कि मेरे फेयर वैल्यू में, अगर प्रेजेंट वैल्यू में, सॉरी फेयर वैल्यू बोल रहे, प्रेजेंट वैल्यू में अगर मेरा कोई चेंजेस आ गया है, तो मतलब ये 10 लाख में अगर कोई चेंजेस हो गया है, कोई अप्स एंड डाउन हो गया है, तो उस चेंजेस को भी मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। मान लो 10 लाख 12 लाख हो गया है, तो 2 लाख का डिफरेंस, या 8 लाख 10 लाख हो गया है, तो 2 लाख का डिफरेंस वो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तब जाके जो नेट वैल्यू आएगा, उतने का हमें लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उतने का हमें अमाउंट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, मतलब उतना अमाउंट हम लोग इंप्लॉय को देना पड़ेगा, ये मान के हम लोग उसका रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये हमें क्वेश्चन में आएगा, तब वहां पर हमें करके दिखाना पड़ेगा। ये जो है ना, ये सब फॉर्मूला जैसा है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला एक बार समझ के कर रहे हैं, ताकि जब क्वेश्चन आए समझ पाए कि क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर टर्म लिखते हैं। फिफ्थ नंबर टर्म है कर्टेलमेंट। अच्छा, कर्टेलमेंट क्या होता है? कर्टेलमेंट का मतलब होता है, क्या बोले, मतलब रिडक्शन, काट छाट, ठीक है? तो यहां पर लिखते हैं रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंप्लॉइज कवर्ड अंडर कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट प्लान, मतलब कंपनी ने जो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान का मतलब, कंपनी ने सोच रखा है कि मुझे इतने सारे एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉय ही चला जाता है, मतलब रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय अगर काट छाट हो जाता है, तो हमारा ऑब्लिगेशन भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो दो इम्प्लॉइज, ठीक है, एक सेक्टर में दो इम्प्लॉइज दूसरे से, मतलब मान लो काम जो है सेगमेंट वाइज जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, मतलब हम इसको बिजनेस सेगमेंट मान लेते हैं, बिजनेस सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में काम होता है, ठीक है। ऐसे जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हो तो देखते हो ना, मॉल में क्या होता है, ग्रॉसरी का भी सेक्शन होता है, और जो है जूते वगैरह का भी होता है, कॉस्मेटिक्स का भी होता है, बच्चों का कपड़ा होता है, बड़ों का होता है, ठीक है, मतलब क्लोथिंग डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद हर एक चीज जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह बहुत बहुत सारी चीजों का होता है। वैसे बिजनेस सेगमेंट मान लो सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने किसी एक सेगमेंट को मान लो नहीं चल रहा है तो बंद कर दिया, मान लो इस सेगमेंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ये वाले सेगमेंट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, ये सेगमेंट बिजनेस का हम लोग नहीं चलाएंगे, तो आप लोगों को और काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो तो नॉर्मल सा बात है ना, मतलब कर्टेलमेंट हो गया, रिड्यूस कर दिया हम लोग इम्प्लॉय को, क्योंकि ये सेगमेंट जब चलाना नहीं है, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनको भी हमें बोलना पड़ेगा कि ठीक है जाइए, ठीक, मतलब और हमारा ये काम नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग जब बेनिफिट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले हम लोग 8 लोगों के लिए बेनिफिट रिकॉर्ड कर रहे थे, जैसे ही 2 लोग चले जा रहे हैं, अब जो भी रीजन से हो, ठीक है, हम लोग बिजनेस सेगमेंट बंद करें, ये वो खुद चले जाए, कुछ भी हो, तो नॉर्मली बिजनेस सेगमेंट बंद करने से ही ये वाला रिलेटेड है। तो देखो, 8 की जगह पहले 8 लोग थे, ठीक है, अब 2 चले गए, तो 6 लोगों का बेनिफिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वही चीज बोल रहा है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंप्लॉइज कवर्ड अंडर कंपनीज बेनिफिट कवर अंडर कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है, तो कितने लोग रिड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर क्या कैलकुलेशन हो सकता है। तो इसमें हमारा होता है गेन, ठीक है, कर्टेलमेंट गेन होता है। क्यों गेन होगा? पहले हमें जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है वो 8 लोगों के लिए करना पड़ता था एग्जाम्पल के तौर पर, अब 6 लोगों के लिए करेंगे, तो कर्टेलमेंट गेन ही होगा, ठीक है, कर्टेलमेंट गेन। अच्छा, अभी इस गेन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन,
ठीक है, मान लो पहले 8 लोगों का हम लोगों ने 80 रुपीज सोचा था देना पड़ेगा, हम एक स्मॉल अमाउंट से बता रहे, ठीक है, मतलब पर पर्सन पे जो है 10 रुपीज करके। अब 2 लोग अगर चले गए तो हमें 20 रुपीज का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब 60 रुपीज। तो रिडक्शन इन ग्रॉस लाइबिलिटी कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ये चीज लिखना पड़ेगा। रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन में रिडक्शन कितना हो जाएगा, 20 रुपीज का, ये लिखना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा अनएमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट, रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है बताते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब ये दो लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हम लोगों ने इतना दिन काम किया, हमारा भी तो कुछ बनता है, ठीक है, मतलब ये लोग बोल ही सकते, नहीं हम लोग मतलब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें उनको कुछ तो देना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बोल रहा है इसीलिए कि हमारा ऑब्लिगेशन 20 रुपए से तो कम हुआ क्योंकि हमें 2 लोगों को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने इतना दिन काम किया, आप अपना बिजनेस सेगमेंट बंद कर रहे हो, तो क्या हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हम लोगों को उनको कुछ देना पड़ता है तो वो तो देखो क्वेश्चन बताएगा कि देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि ये जो है स्ट्राइक वगैरह करे, या फिर मतलब बोले कि भाई ये सेगमेंट में मैंने 2 लोग दिखाया, अब एक सेगमेंट में तो 2 लोग होता नहीं है, काफी सारा लोग होता है, ठीक है। तो बोल रहा है अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन का जो पार्ट था, जैसे इनको हमें 20 देना था, ठीक है, अब उसमें से ये लोग बोल रहे ठीक है आपका बिजनेस सेगमेंट बंद हो रहा है, हम लोग उतना सर्विस नहीं देंगे जितना देने का बात था, लेकिन आप कुछ तो हमें दे दीजिए। तो अनअमोर्टाइज जो अमाउंट हम लोग राइट ऑफ नहीं कर, हम लोगों ने तो सोचा था पूरा 20 राइट ऑफ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मान लो हम लोग को उनको देना पड़ा फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज, ठीक है, तो वो लेस करेंगे, तो रिडक्शन इन ऑब्लिगेशन 20 हुआ था, लेकिन उसमें से हम लोगों को कितना देना पड़ा, 5, तो रिडक्शन इन ऑब्लिगेशन नेट आ रहा है 15, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नेट 15 रुपीज आ रहा है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर कर्टेलमेंट गेन फिर कितना हुआ, हम लोग सोच रहे थे 20 हो रहा है, नहीं, फिर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर ये माइनस में आएगा, ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 15। इसलिए ये मैंने एग्जांपल दिया, अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से अमाउंट आ जाएगा, छोटा छोटा अमाउंट नहीं होगा, बड़ा बड़ा अमाउंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कर्टेलमेंट गेन, तो ये हम लोग का फिफ्थ नंबर का था कर्टेलमेंट के ऊपर, ठीक है। अब सिक्स्थ नंबर टर्म देखो, सिक्स्थ नंबर टर्म है हम लोग का करेंट सर्विस कॉस्ट, करेंट सर्विस, ठीक है, ये क्या है करेंट सर्विस कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। करेंट सर्विस कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया कि कंपनी जो मान के चलती है कि मुझे अपनी इंप्लॉय को ये पे करना है फ्यूचर में, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं करेंट सर्विस कॉस्ट। जो सर्विस हमें अपनी इंप्लॉय से मिल रहा है उसका आज के डेट का कॉस्ट क्या है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, कोई एक क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें हम दिखा देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट टर्म, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे और इसमें हमें कुछ समझने वाला है नहीं। इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो ईयरली, इंटरेस्ट कॉस्ट ब्रैकेट में लिख लो ईयरली, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्विस कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लो क्यूमुलेटिव,
ठीक है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्विस कॉस्ट, ये जो सर्विस कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस आएगा उस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो क्यूमुलेटिव नेचर का हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये जो है ये कैलकुलेटिव टर्म है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने से समझ में आएगा कि ये टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी जो भी टर्म हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से देखा, बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अच्छा इलास्ट्रेशन वन मैंने बता दिया, ठीक है, जरूर तुम लोग को इसको रेडी कर लेना है। इलास्ट्रेशन वन ये हम लोग का हो गया, ठीक है, मैंने रीड करके बता दिया, ये बाकी कंप्लीट कर लेना है तुम लोगों को, लिख के जैसे करना चाहो, जैसे तुम लोग को याद रहेगा वैसे ही करो, हम तो बोलेंगे लिख के ही करो, ठीक है। ये वाला भी एक थियोरिटिकल है, ठीक है, थियोरिटिकल भी बता देंगे, तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो, हम पहले थोड़ा कैलकुलेटिव बता देते जो भी टर्म बताए ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। अच्छा सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन थ्री पहले ये बता देते, ये थोड़ा छोटा सा ही है क्वेश्चन, ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये पता भी है, तुम लोग ऐसा ट्रीटमेंट करते भी हो। देखो बोला है एंटिटी एक्स वाई इज रिक्वायर्ड टू पे सैलरी ऑफ 2 करोड़ फॉर द ईयर 2001-2002, ठीक है, तो एंटिटी एक्स वाई को 2001-2002 का सैलरी पे करना है 2 करोड़। तो ये देखो 2001-2002 का सैलरी है 2 करोड़ एक्स वाई लिमिटेड का, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है इट एक्चुअली पेड ए सैलरी ऑफ 1.90 करोड़ अप टू 31 मार्च 2002, ठीक है, तो ये पे करना था सैलरी 2 करोड़ जो है ये हमें रिक्वायर्ड टू पे है, रिक्वायर्ड टू पे, ठीक है, बट पेड अमाउंट कितना है यहां पर लिखते हैं, पेड हुआ है अप टू 1.90 करोड़, मतलब इन्होंने पूरा पे नहीं किया है, मतलब देखो अगर अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट सोचोगे तो अकाउंट्स तो हमारा एक्रुअल बेसिस पे होता है, तो क्वेश्चन तो हमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर का मेरा खर्चा है 2 करोड़, जिसमें से मैंने 1.90 करोड़ ही पे किया है, बाकी अमाउंट नहीं किया है, मतलब कंपनी ने 1.90 करोड़ पे किया है, बाकी अमाउंट पे नहीं किया है, लेकिन है तो हमारी ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा, वो कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद बता रहा है कि ये मेरा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर क्या बोल रहा है, एंड बैलेंस इन अप्रैल 2002, अब बाकी अमाउंट अप्रैल 2002 में पे किया, ये तो 31 मार्च तक का है, तो अप्रैल 2002 ये वाला है, अप्रैल 2002 में बैलेंस पे किया, तो बैलेंस कितना होगा 0.10 करोड़, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना 2 करोड़ से 1.90 अगर लेस करोगे तो फिर 0.10 करोड़ ही तो आएगा, मतलब 10 लाख, 0.10 करोड़ का मतलब 10 लाख होता है ना, ये देखो 0.1 और इसको 1 के बाद 7 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब ना होगा, हाँ ये देखो ये नहीं मैंने शायद कम जीरो लगा दिया, 0.1 into, अब ठीक है ये देखो 10 लाख, ठीक है, यानी कि 10 लाख, 10 लाख हम लोगों ने अप्रैल 2002 में पे किया है। अब हमें करने क्या बोला है, देखो डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 2001-2002 एंड एनी अमाउंट टू बी शोन थ्रू बैलेंस शीट, हमें बताना है कि डिटरमाइन करके ये बताना है कि एक्सपेंसेस 2001-2002 का कितना होगा और कोई अमाउंट क्या बैलेंस शीट में दिखेगा, तो कितना अमाउंट 1-2 में रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बैलेंस शीट में कुछ दिखाना चाहिए कि नहीं, बोलो तुम लोग काफी फाइनल अकाउंट्स की हो, फाइनल अकाउंट्स एक्रुअल बेसिस पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरा अकाउंटिंग ही तो हमारा एक्रुअल बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि फाइनल अकाउंट्स, जब ऐसा सिचुएशन होता है कि ड्यूरिंग द ईयर का इतना खर्चा ये हम लोगों ने बाकी रख दिया बाद में पे किया, तो हमें दो चीज पूछा है कि टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा, टोटल एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कितना होगा फॉर 2001-2002, एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट कुछ रहेगा क्या जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, अमाउंट टू बी शोन अंडर इन बैलेंस शीट, बताओ तुम लोग बैलेंस शीट में क्या कुछ दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तो कहाँ दिखाना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंसेस कितना रिकॉग्नाइज करेंगे बोलो,
कितना फाइनल अकाउंट्स करते हो कि हम लोगों को सैलरी इतना देना था, हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रख दिया, वैसा ही तो है। तो क्या ट्रीटमेंट करते हो वही बता। अगर ये फाइनल अकाउंट्स पे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता तो इसको कहाँ कहाँ दिखाते, वही तो बताना है। बोलो, ये अगर फाइनल अकाउंट्स होता, यहाँ एक पीएल बनता, हमें सिर्फ लैंग्वेज में पूछा है, अगर ये फाइनल अकाउंट्स का ट्रीटमेंट होता तो पीएल में कहाँ दिखाते, कितना दिखाते, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते, कितना दिखाते, बोलो बोलो। अरे ये कोई नया चीज नहीं है, ये तुम लोग AS15 को भूल जाओ। तुम लोग जो फाइनल अकाउंट्स करते हो ना, वही बोलो, इससे AS15 का डायरेक्टली ऐसे कुछ लिंक करो ही मत। नॉर्मल बताओ, अगर ये फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट होता कि हम लोगों ने इतना खर्चा था, इतना पे किया, इतना इस अकाउंटिंग ईयर में पे किया, जबकि इस अकाउंटिंग ईयर का इतना खर्चा था, तो हमें क्या दिखाना है, बोलो कितना दिखाओगे, टोटल एक्सपेंसेस कितना दिखाओगे और बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट दिखाओगे कि नहीं। बोलो, ये 11 का बच्चा भी बोलेगा अगर हम फाइनल अकाउंट्स का एडजस्ट, हम तो बोल रहे हैं तुम लोग AS15 छोड़ो, तुम लोग ये बोलो कि फाइनल अकाउंट्स में अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता तो क्या करते। बोलो कितना फाइनल अकाउंट्स किए होगे, 11 में, 12 में, कॉलेज में, फाउंडेशन में। पहले सैलरी को किधर लिखते, कम से कम वो तो बता दो। पीएल में किधर लिखते हो सैलरी को? डेबिट साइड में हाँ, क्या लिखते हैं वो तो बताओ। देखो, ये भी नहीं बोल रहे हो कि टू सैलरी लिखते हैं, अब यहाँ कितना लिखे। वन वन पॉइंट पॉइंट नाइन प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, पता नहीं है क्यों नहीं बता रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा 0.10 करोड़, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के नहीं। पता नहीं इसके लिए क्यों चुप हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये देखो, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है 2 करोड़ पीएल में, ये रहा ठीक है 2 करोड़, और अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट 0.10 करोड़ एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अंडर करेंट लाइबिलिटी। बस इतना सा ही पूछा था। देखो कुछ भी कॉमन चीज हमें पूछ सकता है, ये प्रोफेशनल कोर्स है ठीक है, तो ऐसा एकदम फाइनल अकाउंट्स देगा तो ही हम लोग वो एडजस्टमेंट करेंगे, कहीं और पूछ लेगा तो हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। बोलो, सारे चीजों का जो है हमें पूरा नॉलेज को ही तो यहाँ पर यूज करना है ना। ठीक है देखो, तो यहाँ कैसे लिखा है, बोल रहा है टोटल एक्सपेंसेस 2 करोड़ ठीक है, अमाउंट टू बी शोन अंडर लाइबिलिटी अनपेड, मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा है, तुम लोग अनपेड लिखो, आउटस्टैंडिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 लाख रुपए ठीक है। ये हो गया इलास्ट्रेशन 3 हम लोग का कंप्लीट, एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे क्योंकि अभी काफी सारे इसमें क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन 4, ये भी हम लोग का वही जो क्वेश्चन था ना, वो लीव के बारे में है ठीक है, ये पूरा इतना सारा डिटेल्स दे रखा है। ये देखो यहाँ पर बोला है कि वेदर एन एंटाइटलमेंट टू अर्न लीव विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड इज अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये हमें बताना है ठीक है, उसका डिटेल्स दिया है, तो ये तुम लोग एक बार पढ़ के देखोगे, बाद में बताएंगे। ये पूरा कहानी दिया हुआ है लॉ रिलेटेड कि कब मानेंगे नहीं मानेंगे, लॉ है ठीक है, हम बता लेते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन 5, ये बता रहे थे थोड़ा छोटा सा, ये बोल रहा है कि इन केस एन एंटरप्राइज अलाउज अनयूटिलाइज्ड एम्प्लॉय बेनिफिट दैट इज मेडिकल केयर लीव ट्रैवल एटसेट्रा टू बी कैरिड फॉरवर्ड, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट्स। अच्छा क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि अगर कोई एंटरप्राइज को अलाउ किया जा रहा है, अलाउस अनयूटिलाइज्ड इम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे कि इम्प्लॉय ने कोई बेनिफिट यूटिलाइज नहीं किया, जैसे कि मेडिकल केयर का बेनिफिट यूटिलाइज नहीं किया, लीव ट्रैवल का बेनिफिट यूटिलाइज नहीं किया, टू बी क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ए प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट ठीक है।
ये अगर वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट, क्या बोल रहा है देखो, ये प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर ऑल बेनिफिट, बेनिफिट किसी भी तरीके का हो क्यों ना, हमें उसके लिए प्रोविजन जरूर बनाना चाहिए। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कंपनी को अपने बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करने हैं एम्प्लॉय को, उसका एस्टिमेट करके उसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, कंडीशनल और अनकंडीशनल। अब वो हमारा कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, मतलब बेनिफिट कंडीशनल अनकंडीशनल का मतलब ऐसा बेनिफिट, जैसे कंपनी बोल रहा है आप इतने साल काम करोगे तो ही आपको इतना देंगे, दैट इज कंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब आपको इतना देंगे, ठीक है, आप उसके लिए, मेरे लिए, उसके लिए कंपनी की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। तो हमें हर तरीके के बेनिफिट्स के अगेंस्ट में प्रोविजन बनाना चाहिए, चाहे वो बेनिफिट्स कंडीशनल बेनिफिट्स हो या अनकंडीशनल हो। विच एन एम्प्लॉय बिकम्स एंटाइटल्ड टू एज ए रिजल्ट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस, देखो मतलब बोल रहा है बेनिफिट्स जो कोई एम्प्लॉय को मिलने मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड शुड बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द सर्विस वॉज रेंडर्ड, बोल रहा है एंड शुड बी रिकॉर्डेड, और उसे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विस। मतलब हम लोग जो सर्विस ले रहे हैं अपने इम्प्लॉय से, उसके अगेंस्ट में वो कॉस्ट है, जो बेनिफिट हम लोग प्रोवाइड करें वो कॉस्ट है, ठीक है, इस हिसाब से हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। रेंडर्ड सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड में हमें वो सर्विस मिल रहा है उस पीरियड के अगेंस्ट में उसे हमें उस सर्विस के कॉस्ट के रूप में जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या ये लैंग्वेज हम लोगों ने लिखा था, बिल्कुल लिखा था। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है मैचिंग कंसेप्ट, देखो क्या लिखा था मैचिंग कंसेप्ट में, मैचिंग कंसेप्ट में हम लोगों ने लिखा था कि कॉस्ट एसोसिएटेड विद इम्प्लॉयज बेनिफिट शुड बी मैच्ड विद द टाइमिंग ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखा है। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द सर्विस वॉज रेंडर्ड विच रिजल्टेड द एंटाइटलमेंट, जिसके वजह से उन्हें उस बेनिफिट पाने का एंटाइटलमेंट मिलता है। इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सच बेनिफिट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्लॉय एवेलिंग सच बेनिफिट शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। और जब हम लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो भी है वो जब एस्टिमेट कर रही है कि कॉस्ट ऑफ सच बेनिफिट क्या है, हम लोग इम्प्लॉय से जो बेनिफिट ले रहे हैं उसका, जो सर्विस ले रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई एवेलिंग सच बेनिफिट, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो एम्प्लॉई जिसको ये बेनिफिट एवेल करना है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उस बेनिफिट को एवेल करेगा, सच बेनिफिट शुड बी कंसीडर्ड। तो ये हम लोग को पूछा था, देखो तो यहाँ पर क्या पूछा था कि इन केस एन एंटरप्राइज अलाउज अनयूटिलाइज्ड एम्प्लॉई बेनिफिट मेडिकल केयर लीव ट्रैवल एटसेट्रा टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, क्या हमें अनयूटिलाइज्ड बेनिफिट्स को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट, क्या कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट के नाम पे ये बेनिफिट्स को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बोल रहा है हाँ, प्रोविजन्स को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हर तरीके का बेनिफिट्स को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो हम लोग, जो इम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है और हमें उसको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए एज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द सर्विस वॉज रेंडर्ड विच रिजल्टेड द एंटाइटलमेंट इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सच बेनिफिट, हमें ये देख लेना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस कितना है कि एम्प्लॉई उस बेनिफिट को एवेल करेगा, ठीक है। तो ये चीज थियोरिटिकली था, पूछ सकता है तुम लोग को इलास्ट्रेशन 5, यहाँ पर लिख देते हैं इलास्ट्रेशन 5, ये भी किया हमने, ठीक है, ये भी तुम लोग लिख लोगे अपने कॉपी में। अच्छा फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इलास्ट्रेशन 6, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ओमेगा लिमिटेड बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो ओमेगा लिमिटेड जो कंपनी है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। द कंपनी रिसीव्ड एन एक्चुअरियल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम विच रिवील्ड ए सरप्लस ऑफ 6 लाख, ठीक है। अच्छा क्या बोला है, देखो बोल रहा है कंपनी को रिसीव्ड हुआ है एन एक्चुअरियल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम विच रिवील्ड ए सरप्लस ऑफ 6 लाख, मतलब उनके पेंशन स्कीम जो उन्होंने बनाए थे उसमें सरप्लस अमाउंट हम लोग को कितना दिख रहा है, 6 लाख दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि इट वांट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू 2 लाख इंस्टीड ऑफ 5 लाख,
ठीक है, तो ये क्या चाह रहे हैं, बोल रहे इट वांट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स बाय रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू 2 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख। मतलब वो पेंशन का जो स्कीम बनाया था उन्होंने, उसमें वो कितना डालते थे, उसमें वो डालते थे 5 लाख करके, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे 2 लाख तक, ठीक है, यहाँ पर बाय रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन 2 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख, मतलब अभी 3 लाख करके इंट्रोड्यूस करेंगे। द एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ द इज एस्टिमेटेड टू बी 6 इयर्स। अब जिसके लिए पेंशन बना था उनका और जो काम करने का लाइफ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ओमेगा लिमिटेड में, वो 6 साल तक का है। इम्प्लॉइज इज एस्टिमेटेड टू बी 6 इयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट टेकिंग नोट ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कि कंपनी को क्या ट्रीटमेंट इसके अगेंस्ट में करना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें देखना पड़ेगा कि ये देखो ये क्या था, एक्चुरियल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इट्स पेंशन। तो हमें देखना है कि एक्चुरियल वैल्यूएशन में हमारा गेन हुआ कि लॉस हुआ, मतलब कौन से पॉइंट से डील हो रहा है बताते हैं। ये देखो एक्चुरियल गेन और लॉस ये वाला, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन इंप्लॉइज एक्चुअल पेंशन पेमेंट रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज हो रहा है, तो एक्चुअल गेन और लॉस को हमें कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इमीडिएटली तभी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, मतलब सेम ईयर में हमें उसे रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारा कोई सरप्लस हो रहा है तो उसे हमें क्या कर देना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कितना सरप्लस हो रहा है, 2 लाख की जगह हम लोग 5 लाख की जगह 2 लाख कम कर देंगे, 5 लाख जो कंट्रीब्यूट हो रहा था उसमें 2 लाख कम कर देंगे, मतलब 3 लाख करेंगे। ठीक है, आप देखो इट वॉन्ट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ठीक है, मतलब जिस कंपनी का जिस कंपनी के लिए बात हो रहा था ना, वहां पर जो लोग काम कर रहे थे उनका रिमेनिंग जो लाइफ है ऑफ इंप्लॉइज इज एस्टिमेटेड टू बी 6 इयर्स। अब कंपनी को क्या करना है और कितने दिन के लिए स्प्रेड करना है पेंशन स्कीम को, 2 इयर्स के लिए। लेकिन अब ये 2 इयर्स में ये लोग कितना जमा करना चाहते, पहले 5-5 लाख करते थे, अब बोल रहे हैं 2 लाख करके कम कर देंगे, मतलब 3 लाख और 3 लाख करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल गेन हम लोग का कितना हो गया, एक्चुअल गेन हो गया हम लोग का 6 लाख, क्योंकि जितना कम हुआ उतना ही हम लोग का एक्चुअल गेन होगा। तो ये सरप्लस हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द ईयर को ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ईयर दिया नहीं है, मतलब कुछ टाइम पीरियड बोला नहीं है, तो हम लोग जस्ट लिखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस सरप्लस को, एक्चुअल गेन को। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्चुअल गेन एंड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम और एक्सपेंसेस। देखो मैंने वही चीज लिखवा दिया है कि हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज्ड इन PL इन सेम ईयर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और भी अच्छे लैंग्वेज से लिखा है तो तुम लोग भी लिख सकते हो, देयरफॉर सरप्लस अमाउंट ऑफ 6 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिट होगा क्योंकि बेनिफिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर मतलब सेम ईयर, मैंने लिखवाया ना सेम ईयर या करेंट ईयर जो लिखना चाहो वहीं पर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, अगर हम लोग का कुछ एक्चुअल जो है प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला था कि कंपनी को रिसीव्ड हुआ है एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम व्हिच रिवील्ड अ सरप्लस ऑफ 6 लाख। बता ही दिया है इसकी सरप्लस जो है वो 6 लाख दिख रहा है, क्यों सरप्लस हुआ, इस वजह से हुआ। ठीक है, 3-3 लाख जो है ये कम जमा कर रहा है। ठीक है, इट वॉन्ट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स बाई रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन 2 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख। एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ द इम्प्लॉइज एस्टिमेटेड टू बी 6 इयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी फॉलोइंग टर्म्स फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। जब अकाउंट फाइनलाइजेशन करेगा तो उसमें उसको क्या ट्रीटमेंट कंपनी को करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, देखो Illustration 6 ये भी तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, Illustration 6 अब हम लोग देखते हैं Illustration 7 क्या बोला है। देखो एज ऑन 1 अप्रैल 2001 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वॉज 1 लाख। ठीक है, प्लान एसेट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा PF जैसा, ठीक है, प्लान एसेट का वैल्यू है 1 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन प्लान ऑफ जिलस लिमिटेड। ठीक है, पेंशन प्लान था, पेंशन का प्लान था। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको ड्रॉ करके समझाते हैं, तुम लोग क्या बोला है इस क्वेश्चन में इलास्ट्रेशन से। 1 अप्रैल 2001 में
ये प्लान एसेट है, ठीक है, प्लान एसेट इसका वैल्यू था हम लोग का, प्लान एसेट का वैल्यू था हम लोग का फेयर वैल्यू, ठीक है, 1 लाख। फेयर वैल्यू का मतलब जो बचा हुआ वैल्यू, 1 लाख। फिर क्या बोला है देखो, ये पेंशन का था, ठीक है, प्लान एसेट। ऑन 30 सितंबर द प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 19,000, ठीक है, बोल रहा है कि 30 सितंबर को प्लान जो है, द प्लान पेड आउट बेनिफिट, उस प्लान एसेट से बेनिफिट पे हुआ है 19,000 का। तो 30 सितंबर 2001, यहाँ पर लिखते हैं 30 सितंबर 2001, इसमें से हम लोगों ने पे कर दिया है, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने पे कर दिया है, तो माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। कितना पे किया है देखो, बोल रहा है कि बेनिफिट पे किया है 19,000, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 19,000, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या बोल रहा है, एंड रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 49,000। मैंने बोला था ना ये सब वर्ड याद रखना है, और इसमें हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है 49,000, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से बेनिफिट पे किया 19,000, मतलब इसमें से 1 लाख माइनस 19 हो गया, लेकिन इसमें और भी एड ऑन हो गया 49,000, क्योंकि हम लोगों ने ये अमाउंट उसमें कंट्रीब्यूट किया था, इनवर्ट मतलब उसमें डाला था, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2002 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट वॉज 1,50,000। अच्छा, अब बोल रहा है कि 31 मार्च, ये देखो 31 मार्च 2002, ये जो प्लान एसेट का वैल्यू है ना, वो कितना दिख रहा है, बोल रहा है कि प्लान एसेट जो था, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग का दिख रहा है फेयर वैल्यू 1,50,000, फेयर वैल्यू दिख रहा है 1,50,000, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब हमें जो अमाउंट अपने इंप्लॉय को एज ए बेनिफिट पे करना पड़ सकता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू है 1,47,920, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये दिया हुआ है 1,49,000 से 47,900, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है देखो, एक्चुअरियल लॉसेस ऑन ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर 600, एक्चुअरियल लॉसेस लिखते हैं, एक्चुअरियल लॉसेस कब होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअरियल गेन देखा, मतलब एक्सपेक्टेड पेमेंट जो है वो हमारा क्या हो गया है, मतलब एक्चुअल पेमेंट से कम हुआ, एक्चुअल पेमेंट ज्यादा हो गया, इसलिए एक्चुअरियल लॉसेस हो गया है हम लोग का 600 रुपीज, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 मतलब इस डेट को क्या बोला है कि कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इट्स मार्केट स्टडीज, मार्केट में मैंने बोला ना पैसा इन्वेस्ट होता है, तो मार्केट में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कंपनी को क्या क्या समझ में आया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आफ्टर टैक्स पेबल बाय द फंड, मतलब जहां फंड को इन्वेस्ट किया है वहां पर कितना कितना इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम क्या क्या मिल रहा है, तो एक जगह पे 9.25%, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन ऑन प्लान एसेट आफ्टर टैक्स 2, फंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट -1, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10.25, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ओवरऑल चाहिए, उसी से हमारा काम हो जाएगा, इंडिविजुअली हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है हम लोगों का 10.25, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10.25%, ठीक है, जहां कंपनी ने इस फंड को इन्वेस्ट किया था। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, ये हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करके बताना है। अच्छा चलो, अब हम तुम लोग को पहले बताते हैं कि एक्चुअल रिटर्न हम लोग का क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर दिखाते हैं, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल
रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल रिटर्न को जैसे तुम लोग बचपन में कभी कैपिटल में रिटर्न कैलकुलेट किए हो, वैसे ही करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम लोग एनपीओ में इस तरीके का चीज करते हो, ओपनिंग कैपिटल इतना था, क्लोजिंग कैपिटल इतना था, तो रिटर्न कितना हुआ। तो इसको तुम लोग अगर कैपिटल की तरह ट्रीट करोगे तो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में हमें जाना नहीं है। सीधा बात है कि हम लोगों ने 1 लाख रुपीज रखा था, जिसमें से 19,000 माइनस होगा, 49,000 ऐड होगा, मतलब हमारे पास कितना वैल्यू का प्लान एसेट पड़ा हुआ होना चाहिए था। सीधा बात है, 1 लाख हम लोग का था प्लान एसेट में फेयर वैल्यू, कि इतना पड़ा हुआ है, जिसमें से 19,000 हम लोगों ने निकाल लिया बेनिफिट पे करने के लिए, 49,000 हम लोगों ने डाल दिया, तो हम लोग के पास 1,30,000 होना चाहिए, बट बोल रहा है कि 1,50,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया 1,50,000 और 1,30,000 का, यही हम लोग का एक्चुअल रिटर्न है इस प्लान एसेट पे। सीधा बस सिंपल इतना सा निकालोगे तो हो जाएगा, ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्चुअल रिटर्न निकालते हैं। तो लिखना क्या है, ऐसे लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 1/4 2001, 1 लाख प्लस इनवर्ड कंट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने उसमें पैसा डाला, फोर्टी नाइन थाउजेंड लेस कर दो बेनिफिट पेड 19,000, ठीक है। तो अब प्लान एसेट में कितना वैल्यू पड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू एज ऑन 30th of September 2001, ये मैंने 30th of September क्यों लिखा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एज वेल एज जो बेनिफिट ड्रॉन वो दोनों ही इसी डेट पे हुआ था, ठीक है। तो फेयर वैल्यू एज ऑन 30th September 2001 ये हो जाएगा हम लोग का 1,30,000, लेकिन फेयर वैल्यू एज ऑन 31st of March 2001 जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो है हम लोग का 1,50,000, मतलब हम लोग के हिसाब से तो 130 होना चाहिए, बट दिख रहा है 150, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल रिटर्न, ठीक है। तो एक्चुअल रिटर्न हम लोग का हो गया है 20,000, वैल्यू बढ़ा है तो रिटर्न मिला है 20,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस चीज को थोड़ा उल्टा प्रोसेस में किया है। उल्टा प्रोसेस मतलब जैसे क्या होता है ना, हम लोग ओपनिंग कैपिटल में, जैसे देखो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल, ठीक है, उसके बाद ड्रॉइंग्स लेस करके हम लोग क्लोजिंग निकाल सकते हैं, या फिर क्लोजिंग से बैक में जाके क्लोजिंग से बैक में जाके ओपनिंग देख सकते कितना होना चाहिए, फिर डिफरेंसेस देख के हम लोग निकालते हैं कि प्रॉफिट था कि लॉस। तो मैंने यहाँ सीधा सीधा किया है, वो ऑपोजिट प्रोसेस से नहीं किया, इन्होंने यहाँ पर जो किया है देखो उल्टा प्रोसेस से किया है। मतलब कैसे किया है, पहले उन्होंने ले लिया है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट, यानी कि 1,50,000, बोल रहा है कि क्लोजिंग में 1,50,000 था, ठीक है, और ओपनिंग में 1 लाख था और कंट्रीब्यूशन हुआ था 49,000, मतलब हम लोगों का ओपनिंग में वैल्यू जो है 1,49,000, तो 1,50,000 1,49,000 डिफरेंस 1,000 का हुआ था, और हम लोगों ने क्योंकि बेनिफिट पे किया था, वो अगर नहीं करते तो हमारे पास रिटर्न ये होता, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लांट एसेट ये है 20,000, ठीक है। मतलब इसको इन्वेस्ट करके हमें कितना रिटर्न मिला है 20,000। अब ये इन्होंने क्या किया है, ऑपोजिटली किया है कि 1,50,000 जो है वो कैसे बना था, वो चीज बता रहे, 1,50,000 में और भी 19,000 रहता अगर हम लोग बेनिफिट पे नहीं करते, ठीक है, कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने एक्स्ट्रा और डाला, अगर नहीं डालते क्योंकि ये तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ये तो रिटर्न नहीं है, ये हम ही लोगों ने डाला, तो वो हटा दो, 150 से 49 हटा दो, ठीक है, ओपनिंग हटा दो, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितने से ग्रो हुआ है। तो हम लोगों ने देखा ग्रो 1,000 से हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसमें से तो हम लोगों ने 19,000 ड्रॉ भी किया तो उसको ऐड कर दिया, लेकिन ये जो है मैंने बोला ना क्लोजिंग से ओपनिंग करके जाओगे तो भी रिटर्न मिलेगा, ओपनिंग से क्लोजिंग, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल है, तो हम लोग किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है तुम लोग अगर डायरेक्टली करोगे तो 20,000 आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्चुअल रिटर्न का आंसर क्या होगा। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड
रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो मैंने बोला था ना, ये हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखो। इंटरेस्ट जो है ईयरली निकालना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर दे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न का वैल्यू ना, हमें दे रखा है, ये देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। हम लोग को बताना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, कैसे निकालोगे। सिंपल तरीका है यहाँ पर, ये देखो ये पैसे पे हमें रिटर्न कितना मिलेगा, यही तो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो देखो पहले हमारे पास, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप में करते हो ना कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे, तो देखो पहले कैपिटल कितना था, 1 लाख, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेंज होने के बाद कैपिटल इस डेट से बन गया 1,30,000। तो इस डेट से लेके इस डेट पे हम लोग 1,30,000 पे एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मंथ्स होता है, अप्रैल से सितंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये हम लोग का हो गया 6 मंथ्स का रिटर्न निकालेंगे। और बाकी ये आगे का भी 6 मंथ्स हो रहा है, ये देखिए 6 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लाख का 6 मंथ्स का निकालेंगे, और यहाँ पर 1,30,000 का 6 मंथ्स, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप में निकालते हो सेम उसी तरीके से निकालोगे, हो जाएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे 1 लाख ओपनिंग पे, यहाँ पर 10.25%, 10.25% कहाँ से आया, क्वेश्चन खुद बताया है, क्वेश्चन खुद बताया है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10.25% है, तो उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, इनटू 6/12, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस आगे के 6 मंथ्स का हो जाएगा हम लोग का 1,30,000 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12, देखो कितना आता है, 1 लाख इंटू 10.25 डिवाइडेड बाय 5,125, प्लस 1,30,000 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाय 2.5, प्लस 5,125, 11,787.5, ठीक है। और हम लोगों ने इसको सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया, देखो वी हैव, यहाँ पर लिख दो क्योंकि बता रहे, देखो आंसर देखोगे तो समझ जाओगे, वी हैव एज्यूम्ड 10.25% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं कि 10.25% सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे लगा रहे, कंपाउंड पे नहीं। अब आंसर चेक करते हैं, देख यहाँ पर तो इनका आंसर से हमारा आंसर थोड़ा सा वेरी कर गया, क्यों कर गया, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 11,750 आया, हम लोग का आया है 11,787, क्योंकि हम लोगों ने कर दिया है सिंपल इंटरेस्ट, जबकि इन्होंने इसको किया है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ नोट दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिवली द अबव क्वेश्चन मे बी सॉल्व विदाउट गिविंग कंपाउंड इफेक्ट टू द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न पे हम लोग कंपाउंडिंग नहीं करके भी आंसर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में तो सिंपल इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट करोगे तो जल्दी होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम लोग कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर कैसे किया है, देखो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से किया है, कैसे किया है कि पहले ये दिखा दिया कि 1 लाख 1 ईयर तक चला, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा 30,000 है वो हम लोग का 6 मंथ्स चला। हम लोग वैसे भी चाहे तो निकालेंगे तो हमारा सेम ही आंसर आएगा, देखो हम दिखा देते हैं सेम आंसर, इन द सेंस अगर हम इसको 1 लाख और 1,30,000 नहीं करके सिंपल इंटरेस्ट में ही 1 लाख वाला 12/12 और 30,000 का अगर 6/12 करेंगे, यही वाला आंसर आएगा। देख लो हम ये बोल रहे हैं इसको 12/12 और इसको 6/12 अगर करेंगे तो ये 30,000 हो जाएगा ना, मतलब हम लोग बोल रहे हैं 1,12,000 चला और 30,000 हम लोग का 6 मंथ चला, या फिर 1,06,000, 1,30,000 6 महीना, बात एक ही होगा, दोनों में कैलकुलेशन से आंसर सेम आएगा, मतलब 11,787 आएगा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं। तो दिखा देते हैं, ये देख, वन लैख इंटू 10.25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 10,250, ठीक है। अच्छा और इधर का देख लो, 30,000 इंटू 10.25
डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 153.75। अब ऐड करो 10 to 50, ठीक है, तो आ गया 11,787.5। ठीक है, तो वो तो देखो लेने का प्रोसेस है, चाहे 1,12,000 महीना ले लो, 30,000 6 मंथ्स ले लो, तो भी जो मतलब होता है 1,06,000 और बाकी 1,30,006 महीना, तो 1,12,000 ही बना, 6 महीना और उधर 6 महीना, ठीक है। तो जैसे भी करो वो तो मैथमेटिकली करेक्ट होने वाला ही है, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड करते हो तो कैसे निकालोगे वो हम बताते हैं। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, 1,12,000 मंथ्स के लिए किया 10,250, अभी मैंने तुम लोग को निकाल के दिखाया कि 10,250 आया था, ठीक है। अब बाकी 30,000 पे इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, बोल रहे 6 मंथ्स का 5%। 5% क्यों किया, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में कैसे होता है, कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है वो देखना है। मतलब अगर 10.25 पर एनम हमें मिल रहा है तो 6 मंथ्स में कितना मिलेगा, ठीक है, तो पूरे साल में 10.25, तो 6 मंथ्स में कितना मिलेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा। ये देखो 10.25 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 मंथ्स में, सॉरी 10.25 डिवाइडेड बाई 5.125, तो इन्होंने उसको अप्रोक्सीमेट करके 5% कर दिया, ठीक है। तो 30,000 पे इन्होंने 5% का रिटर्न निकाला है, 6 मंथ्स का 1.50। ये कैसे होता है कंपाउंडिंग के केस में, कैसे होता है ना कंपाउंडिंग के केस में, ऐसे होगा, ये देखो कंपाउंडिंग ऐसे निकलता है, a = p (i)/n, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू है 30,000, आई है मेरा 5%, और मुझे ये पैसा जो है कितने बार मिलेगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कितना होगा, 6 मंथ्स में एक ही बार कन्वर्जन होगा, ठीक है, तो 6 मंथ्स में एक ही बार कन्वर्जन होगा, मतलब 2^1 हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर 5 / 100 कितना हो गया, 0.05 + 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 30,000। ये एनुअली एक्सेंड ये क्या हो गया, 31,500 नहीं 1,500 तो आना चाहिए, मैंने क्या गलत कर दिया कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ पर मेरा 30,000 रिटर्न ऑन 30,000 हेल्ड फॉर 6 मंथ्स एट 5% एनुअली कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। अच्छा तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाता है पर एनम, यहाँ पर हम लोग का टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होता है। तो अगर हमें मतलब एक साल में 2 बार कन्वर्जन होगा तो एक साल का निकालना है एनुअली, अच्छा 6 6 मंथ्स करके होगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। हम बताते एक बार चेक करते हैं, पहले हम यहाँ पर +1 इंटू इक्वल टू इंटू 30,000, ज्यादा ही आ रहा है, कंपाउंडिंग कैसे किया, फिर रिटर्न ऑन 30,000 हेल्ड फॉर 6 मंथ्स, 30,000 held for 6 months at 5%, 5% rate of interest पे, तो 5% तो मैंने सही किया है, मतलब इसको डायरेक्टली लगा दिया है, कंपाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट रेट को किया है, बाकी पूरा प्रोसेस नहीं लिया। ये देखो 5% 1,500, ठीक है, ये देखो ऐसे किया है, पूरा इस पे वो प्रोसेस नहीं लगा है जो हम मैथ्स वाला लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है, सीधा ये 1 लाख पे क्या कर दिया है, 1 लाख पे 12 मंथ्स का कर दिया है, 12/12 × 10.25%, ठीक है, ये निकल गया। फिर इसको कंपाउंडिंग कैसे किया है, 30,000 मतलब ये इंटरेस्ट क्योंकि 6 मंथ्स का है तो कंपाउंडिंग सिर्फ रेट पे किया है, ठीक है, ये एनुअली है तो एनुअली इतना मतलब 6 मंथ्स में 5% × 6, यहाँ पर 5% कर दिया, 5% करने का मतलब 6/12 करने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने रेट को ही कर, मतलब जो है हम लोग का 6 मंथ्स का रेट में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, तो ये 1,500 ऐड करने से ये हो जाएगा। तो ठीक है देखो ये भी कर सकते हो, बाकी ये जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट यही करेंगे कि तुम लोग इसी पे करो, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कैलकुलेशन होगा, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप वाले कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, तो इस पे हमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या किया है ना, 30,000 का ये जो है रिटर्न को 5% सिर्फ जो है हम लोग का इंटरेस्ट को 5% जो है कंपाउंडेड किया है, बाकी किसी चीज को नहीं किया है, और 1,500 निकाला है, ठीक है।
अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ देखो ये इम्पोर्टेंट है, हमें निकालने के लिए बार बार बोला जाता है कि एक्चुअल रिटर्न निकालो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 8। देखो इसमें क्या बोला है, ये कर्टेलमेंट का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि रॉकस्टार लिमिटेड डिसकंटिन्यूज ए बिजनेस सेगमेंट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना कि एक बिजनेस सेगमेंट वो बंद कर दे रहे हैं तो कर्टेलमेंट काट छाट होगा इम्प्लॉय का। अंडर द एग्रीमेंट विथ इम्प्लॉयज यूनियन द इम्प्लॉयज ऑफ डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। बोल रहा है पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा है इम्प्लॉय यूनियन के साथ कि इम्प्लॉय जो डिसकंटिन्यूड हो सेगमेंट से जिनको हटा दिया जाएगा, इम्प्लॉयज ऑफ डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट, इनको आगे जाके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट बिकॉज इम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट फॉर सर्विस रेंडर बिफोर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। तो बोल रहा है कि ठीक है कि देखो हम लोग को फर्दर कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा वो तो सही है, लेकिन कर्टेलमेंट के पहले तो इम्प्लॉय लोगों ने सर्विस दिया है तो उसके रिगार्डिंग उन्हें क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ठीक है। कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशंस फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुअरियल अजम्पशन मेड बिफोर कर्टेलमेंट। क्या बोल रहे हैं, कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशंस, वो तो हमें पता ही है कि इम्प्लॉय अगर कम हो जाता है तो हमारा इम्प्लॉय बेनिफिट पे करने का जो ऑब्लिगेशंस है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया था पहले 8 लोगों के लिए ऑब्लिगेशंस बनाते थे, अब 6 लोगों के लिए बनाएंगे तो ऑब्वियसली रिड्यूस तो होगा ही, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशन फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुअरियल अजम्पशन मेड बिफोर कर्टेलमेंट। तो बोल रहा है कि कर्टेलमेंट के पहले जो एजम्पशंस था और कर्टेलमेंट के बाद जो एजम्पशन होगा उसमें चेंजेस दिखेगा। इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट पे ड्रॉन बाय इम्प्लॉइज द ग्रॉस ऑब्लिगेशंस रिड्यूसेस आफ्टर द कर्टेलमेंट बिकॉज द लास्ट पे अर्लियर एज्यूम इज नो लॉन्गर वैलिड। बोल रहा है इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड, बेनिफिट हमें कितना देना है वो अगर हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे कि लास्ट पे ड्रॉन बाय इम्प्लॉइज मतलब लास्ट हम लोगों ने इम्प्लॉय को कितना पे किया था, मतलब कितना सर्विस ले रहे थे उसके अगेंस्ट में हमारा कितना कॉस्ट हो रहा था, इस हिसाब से अगर हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड किया है तो ग्रॉस ऑब्लिगेशंस रिड्यूस जरूर होगा कर्टेलमेंट के बाद, क्योंकि लास्ट पे अर्लियर एज्यूम इज नो लॉन्गर वैलिड, ठीक है। जो लास्ट पे हुआ था वो आगे जाके नहीं हुआ। मान लो लास्ट हमारा 2 करोड़ का पेमेंट हो रहा था इम्प्लॉय लोगों को, अगर कर्टेलमेंट हुआ तो 2 करोड़ से जरूर कम होगा। तो ये जो है ये जस्ट स्टोरी बता रखा है, ठीक है, इसका हमारी क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एट 18 रुपीज। बोल रहा है कि अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट, याद है अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट का मतलब जो लोग है वो बोल रहे हैं कि आपने हमें ऐसे ही सेगमेंट बंद करके हटा दिया लेकिन हम लोगों ने पहले जो सर्विस दिया उसका तो कुछ बेनिफिट दे दीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, ये देखो अनएमोर्टाइज्ड का मतलब क्या है, हम लोगों ने सोचा था कि 8 लोगों के लिए 10 रुपए करके 80 रुपीज का ऑब्लिगेशंस बन रहा है, 2 लोगों का 20 करके नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन रिड्यूस इतना हुआ। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं हमें अपना 5 रुपए तो दे ही दीजिए, तो 15। अनएमोर्टाइज मतलब जो हमें देना पड़ेगा, ठीक है, जो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन 18 रुपीज कितना देना पड़ेगा, बोल रहा है 180 का 10%। अब ये 180 क्या था, ये देखो अनएमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, इसका 10% देना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा नहीं देना पड़ रहा है, इसका 10% देना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब उन्होंने डिमांड किया होगा 180 का लेकिन ये लोग दे रहे हैं 10% यानी 18। कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज। तो कर्टेलमेंट होने के बाद गेन कितना हुआ और कर्टेलमेंट के बाद कितना लाइबिलिटी रह जा रहा है जो हमें रिकॉग्नाइज करना है बैलेंस शीट में रॉकस्टार लिमिटेड का ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, देखो इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड एट 6,000 बेस्ड ऑन करेंट एक्चुअरियल एजम्पशन। बोल रहा है कि कर्टेलमेंट के पहले ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना था, 6,000 था, ठीक है।
अच्छा फिर बोल रहा है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन द डेट ऑफ एस्टिमेटेड 5100, बोल रहा है जो प्लान एसेट बना हुआ था इस रिगार्डिंग उस पे अमाउंट पड़ा हुआ था 5100, अनएमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है 180, कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600, ठीक है, मतलब हम लोगों का ऑब्लिगेशन 600 से कम होगा। टोटल ऑब्लिगेशन कितना था? 6000 ग्रॉस ऑब्लिगेशन, जिसमें से हमें 600 रिड्यूस करने को मिला, ठीक है, 6000 में से 600 रिड्यूस करने को मिल रहा है, विच इज 10% ऑफ द ग्रॉस ऑब्लिगेशन, और वो हो भी रहा है। देखो ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना है 6000, उसका 10% करो कितना हो रहा है 600, ठीक है। तो ये हो रहा है हम लोगों का कैलकुलेशन का डेटा। अब हमें कैलकुलेशन करके क्या देना है कि कितना गेन हुआ कर्टेलमेंट से, कर्टेलमेंट के बाद कितना ऑब्लिगेशन हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। चलो लिख के दिखाते हैं। इलास्ट्रेशन ए पहले लिखते हैं गेन ऑन कर्टेलमेंट, तो गेन ऑन कर्टेलमेंट कैसे निकालते हैं? देखो मैंने लिखा हुआ है रिडक्शन निकालना पड़ेगा, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, मतलब ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना कम हो गया है। तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना था? 6000 था, वो कितना कम हुआ है बोल दिया है 600 से कम हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशंस। ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें निकालना नहीं पड़ा 600। फिर उससे हमें क्या लेस करना पड़ता है, हम लोगों को लगा कि हमें 600 रुपए कम देने पड़ेंगे, लेकिन अगर इंप्लॉय का डिमांड है नहीं भाई हम लोगों ने कर्टेलमेंट के पहले जो सर्विस दिया उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन। हम पहले लिख लेते हैं अनएमोर्टाइज, जो हम लोग एमोर्टाइज यानी कि राइट अप नहीं कर पाएंगे, रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन कितना है? अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन, देखो अनएमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट है 180, लेकिन यहां पर बोला है द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, टोटल इतना है, लेकिन इस ऑब्लिगेशन का पार्ट का कितना आ रहा है 18 रुपीज, पूरा 180 नहीं है, ठीक है, इस ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग, तो 18 हो गया, तो यहाँ पर गेन हमें दिखेगा 500, कितना हो जाएगा ये 2 हो गया, यहाँ पर 8, ठीक है, 580, हाँ 582 देख लेते हैं, देखो आंसर हमारा, हाँ ये देखो 580, ठीक है, पूरा 180 नहीं लिखना है क्योंकि ये पूरा पास्ट सर्विस कॉस्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हमें अलग से दिया हुआ है कि इस ऑब्लिगेशंस के लिए कितना है, अगर ये दिया हुआ नहीं होता, ये लाइन अगर नहीं होता तब तो हमें 180 ही लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 180 का सिर्फ प्रोपोर्शनेट अमाउंट 18 रुपीज है, ठीक है। ये पहला आंसर निकल गया हम लोग का कि कितना हम लोगों का कर्टेलमेंट गेन है, तो ये हो गया गेन ऑन कर्टेल। अब हम लोग को क्या निकालना है? लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट, लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट के बाद हमें कितना लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो लाइबिलिटी कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे देखेंगे, देखते हैं क्या हम लोगों ने इसके ऊपर लिखा था, ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, मतलब हमें कितने अपने इम्प्लॉय को देना है उसका प्रेजेंट वैल्यू पहले ये लिखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला जो है हमें यूज करना है, तो लिखो प्रेजेंट वैल्यू, फिर हम लोग क्वेश्चन से चेक करेंगे क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड
बेनिफिट ऑब्लिगेशन, फिर माइनस करना पड़ता है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। ठीक है, मुझे तो याद है फॉर्मूला, तो हम लिख रहे हैं, तुम लोग कॉपी से अभी देख के लिखो, फिर याद हो जाएगा। अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, यहां पर हमें डेटा पुट करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जो ऑब्लिगेशंस हमें हम लोग लेके चल रहे हैं, कंपनी जो सोच रही है कि उसे अपने एम्प्लॉय को पे करना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो, कर्टेलमेंट के पहले ग्रॉस ऑब्लिगेशंस कितना था, 6,000। ठीक है, और हम लोग का ऑब्लिगेशन रिड्यूस कितना हुआ, 600। तो अब कितना ऑब्लिगेशन बचा, अब ऑब्लिगेशन बचा हम लोग का 5,400। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑब्लिगेशन इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,400। कैसे आया, 6,000 था ऑब्लिगेशंस, 600 रिड्यूस हो गया, तो हम लोग का ऑब्लिगेशंस का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना बच रहा है, 5,400। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, प्लान एसेट जो बनाया था उसका फेयर वैल्यू देखते हैं, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन है, ये देख 5,100, ये देख देख के बस लिख देना है 5,100। ठीक है, अब बोल रहा है अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, तो पास्ट सर्विस कॉस्ट का जो अनएमोटाइज्ड था वो 180 था। ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोगों ने कितना यूज कर लिया, अभी अभी 18 यूज कर लिया है, तो अभी बचेगा कितना वो लिखना पड़ेगा। तो अभी बच रहा है हम लोगों का 162। ठीक है, अब देखते हैं कितना आंसर आता है। तो हम लोग का ऑब्लिगेशन बचा है 5,400। ठीक है, इतना हमें लाइबिलिटी बुक करना चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले से अगर 5,100 अवेलेबल है पे ऑफ करने के लिए, तो हम लोग से 300 बुक करेंगे तो ही चलेगा, और उसमें से हमारा अनएमोटाइज्ड पोर्शन है 162, तो इसका मतलब हमें सिर्फ 138 को बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट, लाइबिलिटी टू बी इन बैलेंस। देख यहाँ पर कैसे किया है, देख लेते हैं मैच हुआ है कि नहीं। इन्होंने 90% किया है 6,000 का। ठीक है, तो वो हम लोग 90% लिख सकते हो, या फिर 10% लेस करके लिख सकते हो, या फिर 600 लेस करके लिख दो, 6,000 में से एक ही बात है। फेयर वैल्यू इतना हुआ, अनएमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट 162, तो लाइबिलिटी टू भी रिकॉग्नाइज। इन्होंने परसेंटेज अकॉर्डिंग को दिखा रखा है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लेस करके दिखाया, तो एक ही बात है, जैसे दिखाना चाहो दिखा सकते। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इलास्ट्रेशन लाइन तो करेंगे, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर ए, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए ये कर, अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसे ऐसा एक क्वेश्चन किया। यहाँ पर होता है कि द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कैलकुलेटेड द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। अभी थोड़े देर पहले मैंने तुम लोग को एक्चुअल रिटर्न निकालना सिखाया ना, काफी आसान है। हमारे पास कितना था, कुछ बेनिफिट पे हुआ कि नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन गया कि नहीं, मतलब इनवर्ड कंट्रीब्यूशन, उसको नेट करके हम लोग देखेंगे कितना अभी वैल्यू हमारे हिसाब से आ रहा है, गिवन कितना है, दोनों का डिफरेंस एनुअल रिटर्न होता है। तो यहाँ पर देखो बोला है इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 2,80,000, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 31 मार्च 2002, मतलब ये क्लोजिंग वैल्यू, और फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट 31 मार्च 2001, ये ओपनिंग वैल्यू, और ये कंट्रीब्यूशन गया। ठीक है, ओपनिंग ये था, ये कंट्रीब्यूशन गया, और ये अभी क्लोजिंग वैल्यू बच रहा है, तो रिटर्न कितना हुआ, बस इतना सा ही डेटा दिया हुआ है, बोलो कितना रिटर्न हुआ, कैसे निकालोगे, ये तो कैलकुलेटर से ही निकल जाएगा, बोलो कितना रिटर्न होगा। पहले बॉक्स में 1,00,000 था, उसके बाद और 2,80,000 आया, तो कितना बॉक्स में होना चाहिए, कितना दिख रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस ही तो एनुअल रिटर्न होगा, बताओ कितना। कर रहे हो कैलकुलेशन, अभी जो किया था ना, ये देखो
ये वाला एनुअल रिटर्न निकाला ना हम लोगों ने, कितना फेयर वैल्यू था, कितना कंट्रीब्यूशन गया बेनिफिट पे, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम लोग का जीरो हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करके एनुअल रिटर्न बताना। बोलो क्या ट्राई कर रहे हो, बताना चाहोगे? बोलो, ये आसान है। कैपिटल की तरह सोचो ना कि ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस है, तो फिर मेरा कैपिटल कितना बनना चाहिए, कितना दिख रहा है, तो फिर उतना ही प्रॉफिट एक्स्ट्रा वो रिटर्न लिखेंगे यहाँ पर। वो तो मैंने समझाने के लिए कैपिटल का एग्जाम। बोलो कितना रिटर्न होगा? वन 1,20,000, 2,60,000। यहाँ पर हो जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एसेट, ओपनिंग वाला लिख रहा है 31 मार्च 2001। मतलब जैसे तुम लोग पैसा वैसा जमा करते हो तो वो भी सोच सकते हो कि पहले तुम लोग के पास 8 लाख था जहां तुम लोग पैसा जमा कर रहे थे, तुम लोगों ने और उसमें ऐड किया है, ठीक है, एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना लगाया है, इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,80,000, इम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से और भी पैसा डाला, इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,80,000। अच्छा बेनिफिट पेड, एक सेकेंड, बेनिफिट पेड था क्या? बेनिफिट पेड इसमें, ओ हाँ बोला है 2 लाख, अच्छा सॉरी मैंने वो दिखाया नहीं, 2 लाख लेस करके बताओ, ठीक है, वो मैंने बोला ही है, ये ऊपर मुझे नहीं दिखा, ये मैंने मुझे लगा पर्टिकुलर से, ठीक है, तो बेनिफिट ये इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे बेनिफिट पेड, 8 लाख था और 2,80,000 डाल दिया, 2 लाख उसमें से यूज कर लिया, बेनिफिट पे कर दिया, ठीक है, तो अब हम लोग का फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2000 तो कितना होना चाहिए, तो 80,000, 1,80,000 होना चाहिए, ठीक है, सीधा सा बात है। अगर तुम लोग के पास, तुम लोग जहाँ पैसा रखते हो वहां पर 8 लाख था और 2,80,000 डाला, 2 लाख निकाल लिया, तो पैसा कितना बचना चाहिए, 8,80,000 बचना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि पैसा 11,40,000 बचा हुआ है। फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2002 ये गिवन है। ये तो देखो, ये पार्टनरशिप या फिर एनपीओ जिन्होंने किया है इसमें ये काफी यूज होता है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन एनपीओ का इसी बेसिस पे ही रहता है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस निकाल के हम लोग प्रॉफिट निकालते कि बिजनेस प्रॉफिटेबल था कि लॉस था, ये कोई नया चीज है ही नहीं, इसके साथ एएस का कोई भी लिंक नहीं है, इस एएस का ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। हाँ इसमें नाम टर्म्स अलग है क्योंकि हम लोग एक अलग चीज के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी देखा जाए तो वैसा इसका कोई लिंक है ही नहीं हमारे एस के साथ। मतलब अगर तुम लोग सिर्फ सोचोगे कि एस के बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे, इसमें एस का बेसिस का तो कुछ है ही नहीं, 8 लाख था, 2,80,000 डाला, 2 लाख निकाल लिया, बचा 8,80,000, बोल रहा है 11,40,000 बच रहा है, तो फिर ये जो डिफरेंस हुआ मतलब एक्स्ट्रा उसमें रिटर्न मिला, रिटर्न कैसे मिलता है, पैसे इन्वेस्ट होते हैं ना, ये जो प्लान एसेट का पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है, मैंने आज ही तो दिखाया तुम लोगों को, तो 2,60,000 ये मेरा हो गया एक्चुअल रिटर्न, ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, इसमें कुछ भी नहीं है मुझे समझाने वाला, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम क्या बोले, ये तो बच्चों जैसा चीज है, ये देखो यहाँ 210 डाला था उसमें से इतना पे कर दिया तो फेयर वैल्यू कितना बचा, 1,60,000, ठीक है, अब यहाँ पर ये रिटर्न वगैरह ऐड करके दिखाया, नॉर्मली हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि मान लो 100 रुपए डाला इम्प्लॉयर ने, 100 रुपए इम्प्लॉय ने, 200 रुपए हुआ, अब इसमें हमें दिख रहा, हम लोगों ने इसमें से बेनिफिट पे किया 50 रुपीज, ठीक है, तो हमारे पास 150 दिखना चाहिए लेकिन 160 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 10 रुपए का इंटरेस्ट कमाया था, दैट इज द रिटर्न, वही तुम लोग को निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल मैथ्स है, देखो इसके साथ नॉर्मल लाइफ का अगर तुम लोग मैच करोगे, पैसा रख रहे हो कहीं इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आए उसी के साथ मैच होता है, ये अलग कुछ है ही नहीं, तो ये हम लोग का 8th नंबर का हो गया। अच्छा अब हम लोग इलास्ट्रेशन 9 पे चलते हैं, ये इलास्ट्रेशन इसमें क्या बोला है,
इसमें बोला है एंड इम्प्लॉई रोशन हैज जॉइन ए कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड इन द ईयर 2001. रोशन ने एक कंपनी ज्वाइन किया था 2001 में एक्स वाई जेड लिमिटेड बोल के. द एनुअल एनुअलमेंट्स ऑफ रोशन वाज डिसाइडेड 14,90,210. मतलब एनुअली कंपनी के तरफ से रोशन को कितना मिलता था 14,90,210 रुपीज करके. कंपनी ऑल्सो हैज ए पॉलिसी ऑफ गिविंग लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द इम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज इफ द इम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विसेज. तो यहाँ से यहाँ तक जो बोला है वो हम लोगों को ड्रॉ करके दिखा देते कि इसमें क्या. इम्प्लॉई है रोशन, ठीक है, जिसने काम जो शुरू किया है तब उसका सैलरी था कुछ 14 लाख ऐसे करके दिया हुआ है. ठीक है, हम दिखा देते हैं. टू थाउजेंड वन में ज्वाइन किया है, 14,90,210 से उसने काम स्टार्ट. अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि लमसम कंपनी उसे पेमेंट कर देगा 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन. बोल रहा है कि कंपनी का एक पॉलिसी है जिसमें लमसम पेमेंट होगा 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द इम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज इफ द इम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स. तो अगर वो 5 साल काम कर लेता है, 1, 2, 3, 4 और 5, अगर वो 5 साल आगे और काम कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा, ठीक है, मतलब 5 साल के एंड में जितना अमाउंट का सैलरी वो ड्रॉ करेगा, तो उसका 25% गिविंग ए लमसम अमाउंट ऑफ 25%, इसका 25% लमसम अमाउंट उसे मिलेगा. लमसम पेमेंट मिल जाएगा अगर वो 5 साल काम करता है. लमसम अमाउंट पेमेंट कितने के ऊपर मिलेगा? लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी का 25% मिलेगा, ठीक है, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज. लेकिन पे कैसे किया जाएगा? हर एक साल कंप्लीट करने पे, ठीक है, हर एक साल कंप्लीट करने पे, मतलब हर एक साल कंप्लीट करने पे जितना होता है उस हिसाब से पे किया जाएगा, ठीक है. फिर बोल रहा है कि द सैलरी ऑफ द रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% पर एनम. और इनका सैलरी हर साल 10% पर एनम करके बढ़ेगा, मतलब इसके बाद प्लस 10% इतना करके सैलरी बढ़ता जाएगा, ठीक है. द कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीटेड द मिनिमम 5 ईयर्स टर्म बिफोर रिटायरिंग. तो कंपनी को ऐसा लग रहा है कि रोशन ये जो कंडीशन है इसे कंप्लीट कर लेगा, रिटायर होने के पहले वो 5 साल काम कर लेगा, दस ही विल गेट 5 ईयरली इंक्रीमेंट और उसको 5 साल का इंक्रीमेंट भी मिलेगा, ऐसा कंपनी का सोचना है, ठीक है. तो कंपनी के हिसाब से उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी फिर कितना हो जाएगा? तो 10-10% इंक्रीज कर करके देखो कितना होता है. तो ये देखो 14,90,210, ठीक है, प्लस 10%, ठीक है, ये जितना आया, फिर प्लस इक्वल 2 बार 3 बार 4 बार, ये तो ज्यादा आ गया, कुछ गलत हो गया शायद मेरे से, 14,90,210 प्लस 10%, हाँ, तो ये हो गया 1,49,021. ये ऐड करने से आ जाता है, ये ज्यादा आ जाएगा. ये क्या हो गया, इसमें मेमोरी में कुछ है क्या? इसको क्लियर करते हैं. 90,210 प्लस 10% 1,49,000, मतलब ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यूमुलेट हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर पे ही डायरेक्टली हो जाएगा. प्लस
1490210, तो हाँ 1639, ठीक है 1639 to 31 था, ठीक है। और ऐसे 10-10% करके बढ़ता जाएगा, तो हो जाएगा मेरे हिसाब से कैलकुलेटर पे, ठीक है। 1490210 + 10%, अलग अलग आ रहा है, पता नहीं क्या जीरो जीरो लिखना हम गलत करते रहे हैं। दो तीन चार, ठीक है एक एक करके कैलकुलेट कर लेते, पता नहीं कैलकुलेटर पे क्या गलत आ रहा है। 1490210 इंटू 110, 110 करने से भी तो हो जाना चाहिए, देखते हैं इन लोगों ने कैसे किया है। हाँ इंटू 110% करके कर दिया है, तो कैलकुलेटर पे क्यों नहीं आ रहा है, आ तो जाना चाहिए। 110% इंटू 110% दो बार, इंटू 110% तीन बार, इंटू 110% चार बार, इंटू 110% पांच बार। अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर दिया है, 23,99,998, यानी कि हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 24 लाख, ठीक है। तो तुम लोग ये कैलकुलेटर पे कर सकते हो, देखो एक्चुअली कैलकुलेट करने पे लास्ट ड्रॉन सैलरी आ रहा है 23,99,998.1071, हम इसको अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं 24 लाख, जैसे इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू ये देखो ना, ये 110 का ही तो है ना, तो +10-10% करने से होता है, पता नहीं कैलकुलेटर में मेरे से क्या गलत हो रहा है, +10-10% करोगे तो भी कैलकुलेटर जरूर दिखाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, 10-10% करो या 110 करो, बात बराबर ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, तो 24 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 24 लाख हो रहा है कि ये हम लोग का लास्ट ड्रॉन सैलरी है। अब इसका हमें करना है 25%, क्योंकि क्वेश्चन बोला था ना लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25% करना पड़ेगा, तो 24 लाख का 25%, तो ये देख लो कितना होता है, ये हो जाता है 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख जो है ये लमसम जो है पेमेंट होगा, और ये कितने साल के लिए पेमेंट होगा, 5 साल, ठीक है। मतलब कैसे करके 6 लाख दिया जाएगा, देखो क्वेश्चन में वही बोल रखा है, ये देखो क्या बोल रखा है कि ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज के लिए, मतलब पहले साल 6 लाख, फिर 6 लाख, फिर 6 लाख, ऐसे करके 5 साल में 30 लाख, ठीक है। 5 साल में 30 लाख होगा, ये देखो ये चीजें यहाँ पर लैंग्वेज करके लिख दिया है, तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। ये देखो पहले एक्सपेक्टेड लास्ट ऑन सैलरी निकाल लिया, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना है 24 लाख का, 25% इंटू 5, 5 क्यों, क्योंकि ये लास्ट ऑन सैलरी जो हो रहा है वो उनको मिलेगा हर एक साल कंप्लीट करने के लिए, तो 5 साल का 6 लाख के अकॉर्डिंग 30 लाख। अमाउंट ऑफ 6 लाख विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एवरी ईयर एज कॉस्ट फॉर बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो कंपनी को ये कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, कंपनी को 6 लाख 6 लाख 6 लाख करके हर साल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, यही चीज बोला है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो अमाउंट ऑफ बेनिफिट, ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ 6 लाख विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट ऑफ 6 लाख विल बी चार्ज टू पीएल एवरी ईयर एज कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के तौर पे हर साल 6-6 लाख का, ये देखो 5 साल में, यस 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख एंड 6 लाख करके हर साल जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है, पीएल में दिखाना पड़ेगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग का हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन, कंपनी ने सोचा कि हाँ ये करेंगे तो फिर ये अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर बोल रहा है
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनी शुड चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर एज कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब उसी का आंसर पूछा था जो कि मैंने करके दिखा दिया. ऑल्सो कैलकुलेट करेंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर एज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 8%. ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को दो चीज कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, एक तो बताना है करेंट सर्विस कॉस्ट. ठीक है, मतलब अब इसका मतलब समझो करेंट सर्विस कॉस्ट का. करेंट सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या, ये जो 6 लाख करके 5 बार में हो रहा है ना, 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख और 6 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रखा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द करेंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज. तो करेंट सर्विस कॉस्ट हमें निकालना है. ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे ईयर बिगिनिंग. ठीक है, फिर यहाँ पर कॉलम बना लो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ठीक है, फिर उसके बाद करेंट सर्विस कॉस्ट जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है. क्या हम लोग ऐसे ही लिखे थे? देखो ऐसे लिखे थे करंट सर्विस कॉस्ट कैसे लिखे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन क्या है पर ईयर 6 6 6 लाख करके. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, कितना है हर बार? 6 लाख 6 लाख 6 लाख. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है. तो देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे लिखे हुए हैं, इस तरीके से. अब हमें कौन सा आगे और कौन सा पीछे लिखना चाहिए? ऑब्वियसली देखो 1 रुपए का ये क्या है, 8% के अकॉर्डिंग, मतलब 8/100 करके डिस्काउंटिंग फैक्टर है, मतलब 0.08, मतलब 1 रुपया जो है वो 0.08 बेसिस पे कम हो रहा है. ठीक है, इस तरीके से उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो रहा है. तो सबसे पहले जो वैल्यू 0.735 होगा वो वैल्यू बढ़ के 0. मतलब पहले 1 रुपए का वैल्यू 0.735 से कंपेरेबल होगा, आफ्टर दैट 0.794 बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर वो 1 रुपीज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है, तुम लोग को बस देख देख के लिखना है. ठीक है, तो पहले 0.735 क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर होगा उतना वैल्यू कम होगा. ठीक है, मतलब 1 रुपए का अगर आज का वैल्यू 0.735 है, आफ्टर 1 ईयर वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये फोर्थ ईयर का वैल्यू, ये थर्ड ईयर का वैल्यू 0.857, ये सेकेंड ईयर का वैल्यू. ठीक है, फिर 0.926, फिर यहाँ पर 1 रुपीज. ठीक है, अब हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? अगर 1 रुपए का वैल्यू इतना होगा तो 6 लाख का कितना होगा, मल्टीप्लाई 0.735 इंटू 6 लाख, तो ये हो गया 4,41,000. इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस, तो फिर बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. 6 लाख इंटू 0.794, 4,76,400. ठीक है, ये भी कर दिया मैंने मेमोरी प्लस. 6 लाख इंटू 0.857, 5,14,000 मेमोरी प्लस. उसके बाद 6 लाख इंटू 0.926, 5,55,600 मेमोरी प्लस. ठीक है, और ये मेमोरी रिकॉल करते हैं उसमें 6 लाख ऐड कर लेंगे, तो प्लस 6 लाख. तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर में इसका यूज करो, मतलब मेमोरी जो फंक्शन है उस, तो टोटल हो जाएगा 25,87,200. मतलब 30 लाख जो है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया, अगर 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर चल रहा है 5 साल पहले 25,87,200. चलो एक बार चेक करते हैं कि हम लोग का आंसर मैच हुआ. अच्छा 4,41,000, 4,76,400, ठीक है. चलो ये मैच हो गया, हम लोगों ने ये निकाल लिया कि ये कैलकुलेशन हम लोगों ने किस चीज का किया. ये कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है
कॉस्ट ऑफ इन सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट बोल रही है, हम लोगों ने सर्विस करेंट सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, और हम लोग को एक कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कॉस्ट जो एनुअली हमें चार्ज करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर लिखते हैं। मतलब ये देखो, ये 6 लाख का पहले, ये देखो ये 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 4,41,000, इस 6 लाख का 4,76,400, इसका 5,14,000, ठीक है, और इसका 5,55,600, और ये लास्ट ईयर का 6 लाख का 6 लाख ही हुआ, ठीक है। चलो अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा लेते, उसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हो जाएगा वही ईयर का कॉलम होगा पीछे बने, ईयर का कॉलम, फिर ओपनिंग बैलेंस, ईयर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा करेंट सर्विस कॉस्ट, फिर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस समझाते हैं कैसे होगा। देखो मैंने इंटरेस्ट का बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने बोला ना क्वेश्चन समझ लेंगे तो अभी क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। देखो कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्विस कॉस्ट, और उसको क्यूमुलेट करते जाना है। सर्विस कॉस्ट का जो ओपनिंग बैलेंस है उससे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले साल तो हम लोग का जीरो है, ठीक है, पहले साल हम लोग का जीरो है, उसके बाद कितना हो जाएगा 4,41,000, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्यूमुलेट करना है 4,41,000, और इसमें हम लोग का, अच्छा चलो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, जीरो इंटरेस्ट भी, इसका मतलब जीरो, करेंट सर्विस कॉस्ट 4,41,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 4,41,000, ऐसे हो जाए, ठीक है। फिर ये क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग हो जाएगा, अब इस पे हमें कैलकुलेट करके देना है इंटरेस्ट, ठीक है, तो इस पे हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट कितना बता रखा है 8% करके, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है यही लगेगा हम लोग का, तो 4,41,000 पे हम लोग को कैलकुलेट करके देना है 8%। देखो कितना होता है 4,41,000 पे अगर हम लोग 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का आ जाता है 35,280, ठीक है। अच्छा अब करेंट सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है, मतलब सेकेंड ईयर का करेंट सर्विस कॉस्ट कितना है 4,76,400, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 4,76,400, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ये ओपनिंग था, ये इंटरेस्ट लगा, ठीक है, ओपनिंग था इंटरेस्ट और ये वाला करेंट, सब मिला के हो जाएगा, मतलब 35,280 प्लस 4,76,400 प्लस 4,41,000, ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाएगा 9,52,680, ठीक है। ऐसे करते करते तुम लोग को लास्ट में कितना मिलेगा पता है 30 लाख, मतलब वो 30 लाख कैसे बना इंटरेस्ट ऐड होके वही हम बता रहे हैं। फिर ये क्लोजिंग ओपनिंग में आ जाएगा 9,52,680। अच्छा इस पे अब हम लोग को 8% इंटरेस्ट लगाना है, चलो 8% इंटरेस्ट लगा देते हैं, देखो कितना हो गया क्यूमुलेट होके 76,214, ठीक है, 214.4 है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो करेंट सर्विस कॉस्ट कितना है 5,14,000, करेंट सर्विस कॉस्ट है हम लोग का इस बार 5,14,000, तो इस पे ऐड करते हैं 5,14,000 प्लस 9,52,680, तो ये हम लोग का हो गया 15,42,894, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15,42,894, तो ये 5,14,200 होगा बिल्कुल, अच्छा मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, 6 लाख इंटू 0.857, हाँ ये 200 होगा, ठीक है, तो इसमें एडिशन होके गलत आ गया, ठीक है, छोड़ो एडिशन तुम लोग ठीक कर लेना, एडिशन तो नेसेसरी है भी नहीं, ये 5,14,200 आना चाहिए, ठीक है, 5,14,200 आएगा, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 200 रुपए और भी बढ़ेगा, मतलब 15,42
894 प्लस 200 तो ये हो जाएगा 1543 09, 43094, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये ओपनिंग आ जाएगा 1543 094, इस पे लगेगा 8%, 1,23,447, 447.5 है, तो उसको 7 या 8 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, चाहो तो 8 भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर 5,55,600, 5,55,600, अब ये सारा ऐड, 5,55,600 प्लस 1,54,309, 22,22,141, 41, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा 22,22,141 इंटू 8%, 1,77,771, ठीक है, 1,77,771, ठीक है। अच्छा अब प्लस 22,22,141 प्लस यहाँ पर जो आएगा करेंट सर्विस कॉस्ट, दैट इज 6 लाख, ₹29,99,912 आ रहा है, ठीक है। मतलब 30 लाख में थोड़ा सा कम ज्यादा आ जा रहा है, -30 लाख करते तो कितना कम आ रहा है, 87 रुपीज कम आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट को चेंज कर देना है, ये हमें 30 लाख ही रखना है, इंटरेस्ट अमाउंट को हमें अप्रोक्सीमेट कर देना है, यहाँ पर स्टार लगा के लिख देना है कि ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन कैलकुलेशन कैलकुलेशन दिस फिगर इज एडजस्टेड, दिस फिगर इज एडजस्टेड, हमें इस फिगर को एडजस्ट कर देना है ताकि वो 30 लाख आ जाए, ठीक है। अब इसको हमें कितना लिखने से होगा, 87 रुपीज से इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,77,700, ये लिख देते हैं 1,77,77,771 प्लस 88 लगभग करना पड़ेगा, मतलब 1,77,859 करना पड़ेगा, 1,77,859 ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का ये अप्रोक्सीमेशन चला जाएगा। देखो यहाँ पर भी उन्होंने उसी तरीके से लिखा है, बिकॉज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखो ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग भी ये लिख सकते हो, बाकी और एक चीज भी कर सकते हो, पॉइंट के बाद 5 जो था ना उसके लिए अगर एक एक डिजिट बढ़ा दोगे तो मुझे लगता है एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, फिर भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो एडजस्ट करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इंटरेस्ट कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालना है, सीधा बात ये है कि देखो ओपनिंग बैलेंस 0 क्यों लिखा है ना, एक्चुअली देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, 0 to 1, 1 to 2, ये देखो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ठीक है, 4 to 5, ऐसे करके होता है। जब प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, 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 इस तरीके से निकलता है। तो देखो ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो यहाँ पर उस हिसाब से अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस 0, ठीक है, इंटरेस्ट भी 0, करेंट सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने करेंट सर्विस कॉस्ट वहां पर निकाला था, करेंट सर्विस कॉस्ट को 4,41,000, क्लोजिंग भी इतना आ जाएगा, फिर ये 4,41,000 ओपनिंग में आ जाएगा, इस पे अब इंटरेस्ट मिलेगा हमें 8% करके, तो फिर ये करेंट सर्विस कॉस्ट नेक्स्ट जितना था वो लिखेंगे, तो तीनों चीज को ऐड करेंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस, फिर क्लोजिंग से ओपनिंग उस पे इंटरेस्ट, फिर करेंट सर्विस कॉस्ट, फिर टोटल, फिर ओपनिंग, इस तरीके से जाएंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा कि 30 लाख कैसे हुआ, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करके, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ जुड़ के, तो ये इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। और अगर अप्रोक्सीमेशन आया तो एडजस्ट कर देना है, कौन से डेटा को करोगे, इंटरेस्ट वाले डेटा को अगर कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये ड्रॉ जो मैंने किया है ना, इसको ऐसे नहीं करके, अगर तुम लोग इसको ऐसे करोगे ना, ये देखो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। प्रेजेंट वैल्यू हमें कहाँ का निकालना है, यहाँ पर, ठीक है,
इसी वजह से पहला वाला जीरो दिख रहा है, तो वो क्वेरीज नहीं रहना चाहिए दिमाग में, तो मैंने ड्रॉ को रेक्टिफाई कर लिया। तो ऐसे करके होगा कि आज के डेट का वैल्यू, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेन मेन क्वेश्चन जो है मैंने दिखाया है यहाँ पर क्या क्या आंसर होगा। यहाँ कुछ एमसीक्यूज बाकी है, ठीक है, यहाँ 7th नंबर बाकी है, 8 भी कर लिया, ये 9 भी तुम लोग करके देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने पहला एक क्वेश्चन किया ना वैसा ही है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 7 9, ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 7 9 एमसीक्यू, प्रैक्टिकल का 7 9 और एमसीक्यू वहां पर ये बाकी है, बाकी तो हम लोगों ने कर ही लिया। ठीक है, जिसमें से 7 और 9th नंबर तो आराम से कर सकते हो, 7th जो है देखना पड़ेगा क्या है मुझे भी नहीं पता, ठीक है देखना पड़ेगा, यहाँ एमसीक्यू ट्राई करके देख सकते हो। अच्छा इधर से अगर हम लोग देखें तो ये बड़ा वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इलास्ट्रेशन 9, इलास्ट्रेशन 8 भी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7 भी कर लिया, चलो 6 ये भी कर लिया, इलास्ट्रेशन 6 भी दिखा दिया, कैसे हुआ। यहां से इलास्ट्रेशन जो हम लोग का 5 है, ठीक है, ये भी कर लिया, कंडीशनल अनकंडीशनल इलास्ट्रेशन 5 ये भी किया, इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, ये तुम लोग पढ़ के देख सकते हो, थियोरिटिकल है, ठीक है, हम भी पढ़ के ही बोल देंगे, ये जो है रूल्स मैंने जो छोटा छोटा लिख पाया वहां से पूरा पढ़ के देख सकते हो कि पैरावाइज और क्या रूल्स इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। इलास्ट्रेशन 3 भी शायद कर लिया मुझे जितना याद है, ठीक है, हाँ इलास्ट्रेशन 3 हम लोग ने कर लिया, इलास्ट्रेशन 2 ये भी पढ़ना पड़ेगा, थियोरिटिकल था, इलास्ट्रेशन 1 मैंने करवा दिया, तो ये रहा इलास्ट्रेशन, ठीक है। तो सारा चीज मैंने बता ही दिया है, तुम लोग को बस कुछ थियोरिटिकल जो है खुद से, जैसे कि 4 और 2 दोनों प्योरली थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 9 में मुझे लग रहा है 7 भी थियोरिटिकल है, 9 कैलकुलेट जो करोगे पहले कर चुके हैं वैसा ही क्वेश्चन है मुझे जितना लग रहा है, और कुछ एमसीक्यूज है, ठीक है, तो ये तुम लोग होमवर्क में ले लो, नेक्स्ट जब क्लास होगा तब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए फोन।